स्वीट फर्स्ट आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों को आज के इस क्लास में स्वागत करना चाहूँगा। आई होप बीइंग या आई थिंक दिस इज लाइव। टुडे इस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेनी ऑफ अस राइट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको कहीं ना कहीं पे एंसेस्टर और ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है उनकी लाइफ में। यहाँ पे हमारे क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिसके अंदर एंसेस्टर और ब्लॉकेज क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हम आज की इस क्लास में आपकी एंसेस्टर जो एज ए हीलिंग उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। बेबी राइट ओके। सो देर आर सो मेनी पीपल जिसकी वीडियो ऑफ है। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप अपना वीडियो को ऑन करके बैठ जाएगा अगर आप एज अ जूम क्लास में हैं, क्योंकि आज के क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने। यहाँ पे कितने लोगों को लगता है कि आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं पे पितृ दोष है या फिर कहीं ना कहीं पे एंसेस्टर ब्लॉकेज है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट आपको लगता है कि आपके घर में या तो पितृ दोष है या तो एंसेस्ट्रल राइट ओके जो उसी से कर्म है? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू राइट डू समथिंग अबाउट इट। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है उसको ना सबसे पहले जानते हैं। वी हैव 63 ट्रिलियन सेल्स। हमारे शरीर के अंदर कितने मोर देन 63 ट्रिलियंस हमारे क्या है सेल्स हैं। एंड ऑन दो 63 ट्रिलियन सेल्स वी हैव अ क्रोमोसोम्स, और उस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है ना। दैट जीन्स का मतलब क्या है, दैट इज अवर हेरिडिटी कैरेक्टर्स। तो आपके शरीर के अंदर जीन कितने हैं? मोर देन 63 ट्रिलियंस। कितने हैं आपके शरीर के अंदर जीन? इट इज मोर देन 63 ट्रिलियंस। उससे ज्यादा के क्या है, हेरिडिटी कैरेक्टर है। इसलिए आपकी आंखें किसी से मिलती हैं, आपके नाक किसी से मिलता है, आपका कान किसी से मिलता है, आपकी राइट ओके द वे दैट यू स्पीक और किसी से मिलता है। हर चीज कहीं ना कहीं पे किसी न किसी हमारे एंसेस्टर से, किसी न किसी हमारे रिलेटिव से को मिलते हैं। तो इट मींस दैट राइट ओके जो एंसेस्टर राइट ओके जो पितरियों की हम बात कर रहे हैं उनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर है। आपकी पितरी कहाँ पे, आपकी पितरी आपके अंदर है। तो इसलिए आप अगर उनकी लाइफ में जितने भी कर्मा हुए थे, जितने भी उन्होंने या फिर अच्छा काम किया होगा, बुरा काम किया होगा, उसकी प्रभाव कहाँ पे, उसका पूरा के पूरा प्रभाव आपके अंदर। आई मीन टू से राइट ओके सिंस देर इज मोर देन 63 ट्रिलियन सेल्स ऑन अस एंड ऑन ऑन दो सेल्स वी हैव अ क्रोमोसोम्स एंड इन साइड दोज क्रोमोसोम्स अगेन वी हैव अ जीन्स एंड दैट जीन्स इज कॉल्ड आवर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड दैट्स व्हाई सो वी हैव मोर देन 62 ट्रिलियंस हेरिडिटरी कैरेक्टर्स व्हिच इज इन साइड अस। दैट्स व्हाई आवर आईज लुक लाइक समवन एल्स, आवर नोज लुक लाइक समवन एल्स, द वे दैट वी स्पीक, द वे दैट वी वर्क, द वे दैट वी थिंक इट्स समवेयर रिजेंबल विद द एंसेस्टर्स। कहने का मतलब है कि द कर्मास दैट यू आर फेसिंग दोस कर्मा मे नॉट बी बिलोंग्स टू यू। हो सकता है कि जो कर्मा के राइटों के फल आप भोग रहे हो सकता है कि आपने वो कर्मा ना किया हो। ध्यान से सुन लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ना अच्छे से सुन लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो कर्मा अभी आपको लाइफ में आ रहा है
हो सकता है कि वो आपके कर्मा हो ही ना। जिस कर्मा को आप झेल रहे हो सकता है कि वो कर्मा या फिर राइट हो कि सब कुछ आपने कभी किया भी ना हो। जो ब्लॉकेज आपके लाइफ में आ रहा है, हो सकता है कि वो ब्लॉकेज कहीं ना कहीं से दूर तक आपके कोई रिश्ता भी ना हो, कोई आपका नाता भी ना हो। क्योंकि जब आपका जन्म होता है, जब आपकी जन्म होती है, क्या होता है कि यू गेट समथिंग फ्रॉम योर फादर साइड, यू गेट समथिंग फ्रॉम योर मदर साइड। बाप से कुछ लेके आते हो और माँ से कुछ लेके आते हो और उसका समरी हो आप, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी जीवन की यात्रा। लेकिन केवल उतना ही नहीं, आपके जो जो बाप के साइड के जितने भी थॉट प्रोसेस थे, जितने भी ब्लॉकेज थे या फिर जितने भी गुड थिंग या फिर बैड थिंग थे, हर चीज आप कहां से लेके आते हो? आप अपने बाप, आप अपने बाप के साइड से लेके आते हो। ऑन द सेम वे आप माँ के साइड से भी पूरी की पूरी चीज लेके आते हो। तो जैसे ही आप यहां पे आते हो, यू गेट द ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। आपने जितने भी डाटा लेके आते हो ना, ओके, वो आपकी आत्मा की डाटा बहुत कम, बट अपने बाप के साइड के डाटा और माँ के साइड के जो जो डाटा है वो पूरे के पूरे डाटा आप लेके आ रहे हो। तो इसलिए राइट ओके, जहां पे भी आपका ब्लॉकेज आ रहा है, मोर देन 99% केसेस कि आपने वो कर्म कभी किया ही नहीं था, बट सिंस आप उनके समरी हो, आपके अंदर वो पूरे के पूरे डाटा है, आपके अंदर पूरे के पूरे एंसेस्टर है, इसीलिए हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपने कभी वो कर्म किया था। इसलिए आपने देखा होगा हमारी शास्त्रों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पितरियों को दिया गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है किसको? कि पितरियों को, आपके पेरेंट्स को। क्योंकि अगर वो खुश तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज हो सकती है। तो इसलिए बोला गया है सनातन धर्म में कि अगर कोई देवता देना चाहता है बट आपकी पितरी अगर उसको रोकना चाहते हो, रोक सकते हैं। बट अगर कोई पितरी आपको कुछ देना चाहता है, अगर उसमें किसी में भी वो हिम्मत नहीं है कि उस चीज को रोक के दिखाए। इसलिए देख लीजिएगा, जब इवन महादेव को भी माता के साथ शादी करना था, उनके कोई माता पिता नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऋषियों को माता के रूप में, ऋषियों के पिता के रूप में और ऋषि पत्नी को माता के रूप में धारण करते हुए कि आप मेरे माता पिता हो, आप मेरे लिए उसके लिए जो शादी का प्रस्ताव लेके जाओ। इवन उन्होंने भी, इसलिए आप देखते हैं कि राइट कि जब भी आप संन्यास धारण करते हैं, सबसे पहले आपके ऊपर जितने भी पितृ हैं उनकी, उनको श्राद्ध देने से लेके इवन अपने आपके अपने पिंड को भी आप श्राद्ध देने की क्रिया करते हो। सो दैट कि अगर संन्यास धारण करने के लिए भी अगर आपके पितृ अगर आपको रोक दे, तो आपको जो एज ए ज्ञान मिलनी चाहिए, जो दृष्टि आपको मिलनी चाहिए, जो शक्ति आपको मिलनी चाहिए, अगर आपके पितृ नहीं चाहते तो आपको नहीं मिले। दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा अगर हमें किसी के ऊपर काम करना है, वो है हमारे पितरियों के ऊपर काम करना है। इट इज बिकॉज जब आप इस पृथ्वी में यहां पे आए हो, व्हेन यू आर हियर इन दिस वर्ल्ड, राइट ओके, कहने का मतलब आपने चूज करके आए हो यहाँ पे कि आपको किस घर में, किस स्कूल में कहाँ के जन्म लेना है। दैट इज व्हाट यू चूज, आप चूज करके आते हो यहाँ पे। तो इसलिए जिस स्कूल में आपने धारण करके आए हो, जिस स्कूल में आपने अवतरण लिया, अवतरण किया, उस स्कूल की सम्मान हमेशा होनी चाहिए, वहां के एंसेस्टर की सम्मान हमेशा होनी चाहिए। आप चाहो ना चाहो, फिर भी उनकी अस्तित्व कहां पे, उनकी अस्तित्व आपके अंदर है। इमेजिन आपके सामने एक अंडा है, आपके सामने एक अंडा है, अगर वो अंडा ना बाहर से टूटता है, राइट ओके, अगर आपने बाहर से फोर्स देते हो वो अंडा टूट जाता है, करेक्ट ना। बट टेक इट अपोजिट, अगर वो अंडा अंदर से टूटता है तो, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जब बाहर से टूटता है वो टूट गया है, बट जब वो अंदर से टूटता है वहां से एक जीवन फलित होती है। जो शक्ति आपको बाहर से मिल रहा है,
हो सकता है कि कभी कभी आप उस शक्ति को हैंडल ना कर पाओ और आप टूट जाओ, बट जो शक्ति आपको अंदर से मिल रहा है वो आपको एक जीवन देगा। आपको इस रास्ते में, अध्यात्म के रास्ते में अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है, तब सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या है, आपकी पितरी है। योर एंसेस्टर आर सो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइफ में गुरु मिलना भी होगा ना, जब तक आपके एंसेस्टर की कृपा नहीं होगी आपको गुरु भी नहीं मिलेगा। अगर आपको साधना में सफलता चाहिए, जब तक आपके एंसेस्टर हैप्पी नहीं होंगे आपको साधना में भी राइट ओके वो पावर नहीं मिलेगी, आपकी साधना सफल नहीं होंगी। नहीं तो देख लीजिएगा आपने कितने बार अभी तक कितनी पूजा किया होगा, अभी तक कितने मंदिर आपने गए होंगे, कितनी साधना आपने किया होगा, क्यों आपको वो पूरे की पूरे चीज की जो फल है आपको क्यों नहीं मिला, आपने कभी पूछा है? इट इज बिकॉज हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे अगर आपके एंसेस्टर खुश ना हो, या फिर हमने उनको जितना रेस्पेक्ट देना चाहिए था, जितने ग्रैटिट्यूड हमें देना चाहिए था, क्या हमने सचमुच में उनको ग्रैटिट्यूड के उस रूप में दिया है या नहीं दिया है? ऑल ऑफ यू नोज दैट फ्यू डेज बैक ओके माई फादर, माई गुरु, मेरे गुरु का वैकुंठ धाम उन्होंने प्रवेश किया है। सो आई हैव अ ब्यूटिफुल स्टोरी एंड आई हैव सो मेनी स्टोरीज विथ माई गुरु। मेरे गुरु के साथ मेरी बहुत सारी राइट ओके स्टोरीज हैं। मैं कुछ स्टोरीज को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, सो दैट कि आपको समझ आ जाए कि आपके लाइफ में एंसेस्टर की राइट ओके जो कृपा क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो एक तो बात ये थी कि जब मैं सबसे पहली बार अपने गुरु से मिला था, ओके सो आई वॉज अराउंड 14 ईयर्स ओल्ड, मैं 14 साल का था। तो उसके बाद आई मीट माई गुरु। उसके बाद क्या हुआ कि आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली। आपको पता है कि मैं जब ब्राह्मण कम्युनिटी से आता हूँ, वो भी ब्राह्मण के अंदर भी राइट ओके नेपाल में 2-3 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, उपाध्याय बोलते हैं जिसको जैसी बोलते हैं राइट ओके। तो माई गुरु कम फ्रॉम अ दलित कम्युनिटी। मेरे गुरु आते थे दलित कम्युनिटी से। तो माय बॉन्ड विद गुरु वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरे गुरु के साथ जो मेरा बॉन्ड था, उनके साथ जो जो प्रेम था, उनके साथ जो प्यार था, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी पावरफुल। विद इन राइट ओके जस्ट द मोमेंट ऑफ 3 मंथ टू 6 मंथ, 3 महीने से लेके 6 महीने के बीच में गुरु ने बहुत सारी साधना किया, करवाया। सो आई वॉज वेरी लकी कि मेरे घर के सामने राइट ओके मेरा जो उसमें घर है पोखरा में घर है, क्योंकि पास में नदी पड़ती है जिसको बोलते हैं सती गंगा, सफेद गंगा, सती गंगा बोलते हैं। और उनके पास में मेरे गुरु रहते थे और मैं भी राइट ओके हर रोज उनके यहाँ पे जाता था और हमारे सामने ही सती गंगा बहती थी। तो जितने भी उस शहर के लोग थे उसी सती गंगा में जलाने के लिए लेके आते हैं। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी था कि हम शमशान में ही जाते थे गंगा के पास, नदी के किनारे हम साधना करते थे और गुरु मुझे साधना करवाते थे। फर्स्ट फ्यू मंथ वॉज वेरी गुड। जब मैंने शक्ति को एहसास करना शुरू किया, जब मैंने शक्ति को देखना शुरू किया या फिर राइट ओके उसको हैंडल करना शुरू किया, लगभग 6 महीने के बाद ना पूरे की पूरी शक्ति कंप्लीटली रुक गया, पूरे की पूरे शक्ति रुक गया। आई वाज वेरी सरप्राइज कि अभी तक जो शक्ति इतनी पावर के साथ आ रहा था कि मैं किसी को देखता था तो मैं क्लियरली बोल देता था कि उनके शरीर में कहाँ पे रोग है से लेके राइट ओके उनकी फॉर्चून टेलिंग से लेके या फिर उनके घर में कहाँ पे क्या है से लेके राइट ओके और उनके दिक्कत कहाँ कहाँ पे है, इवन कि उन्होंने पास्ट लाइफ में कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती किया था और क्या क्या चीज की उनको सजाएं मिल रहा है। तो अचानक से वो चीज पूरे के पूरे रुक गया। तो रुकने की बात है, बस
देख लीजिएगा, जब ना 6 महीने तक आप बहुत अच्छा लाइफ जीते हैं, राइट? ओके, आपने उसको देखा है, पावर को देखा है, पावर देखने के बाद एक छोटी सी लग जाती है ना, आदत लग जाती है ना, होती है ना कि, राइट? ओके, यू बिकम फैमिलियर विद द पावर, कि आपको एक शक्ति मिल गया है, एक स्रोत मिल गया है कि आप, राइट? ओके, एक बार आपने उसको चख लिया, चखने के बाद होती है ना कि आपको एक आदत बन जाती है, और जब आपको वो शक्ति फिर से नहीं मिलेगा तो आपके अंदर ना एक छटपटाहट होती है, एक छटपटाहट। ओके, तो मैंने उस शक्ति को स्टार्ट कर लिया था यूज करने के लिए। मेरी लगभग 90% टाइम जाती थी साधना के लिए, और जब साधना नहीं होती थी मैं उसी शक्ति का यूज करते हुए रहे, एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और मैं केवल उतना ही पढ़ लेता था जो जो एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है? ओके, तो क्योंकि अभी देख लीजिएगा, राइट? ओके, जब आपके पास शक्ति हो और आप उसके यूजेस जानते हो तो आपको शॉर्टकट भी पता होते हैं। फिर तो मैंने दिस 6 मंथ वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर मी, पर उसके बाद अचानक से शक्ति रुक गया, रुकना ही नहीं। आई फील लाइक मैं कहीं पे भी जाता था, आई फील लाइक आई मीन समवन इज अटैकिंग मी समथिंग, राइट? ओके, अंदर से, राइट? ओके, साधना करने का मन ही नहीं हो रहा था अंदर से। आपको जैसे ना मंदिर में जाने का मन ही नहीं करता हो, कुछ तो शमशान में जाने का मन ही नहीं करता हो, गुरु से मिलने का मन ही ना करता हो। गुरु ने आपके ऊपर कुछ नहीं किया था, वो इतना प्यार करते थे। अभी भी जब, राइट? ओके, अभी भी जब उनका वो लास्ट ईयर वो जो उसमें थे, बेड में थे, बीमार होके हॉस्पिटल में थे, ही ओनली रिकॉग्नाइज मी। इवन उन्होंने अपने बच्चों को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, वो बेड से केवल मुझे ही बुला रहे थे। सो आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल दैट यू नो दैट कनेक्शन विथ माई गुरु। पर मैंने जाके ना गुरु को बोल दिया कि देखो गुरु, अभी ऐसा ऐसा हो रहा है, ना तो आपसे मिलने का मन करता है, ना तो आपको साधना करने की मन करती है, ना तो शमशान में आने का मन करता है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के ना कहीं पे चला जाऊं। एक माइंड वो चीज बोल रहा था और मैंने गुरु के सामने जाके बोल दिया, और गुरु ने फिर मेरे शरीर के अंदर अपने जो गुरु पिता मणिराम थे, सर आपने काफी नाम सुना होगा लामा फेरा में या फिर, राइट? ओके, वो पूरी पूरी की पूरी गुरु परंपरा को उन्होंने मेरे शरीर के अंदर बुलाया, बुलाने के टाइम पे भी। ओके, इट वाज स्ट्रॉन्ग, राइट, रिचुअल, फिर भी वो कोई भी गुरु ना मेरे शरीर के अंदर नहीं आया, आई वाज वेरी सरप्राइज। तो उन्होंने बोला कि लाइफ में ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। जब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने ऊपर बुलाया उस शक्ति को, अपने ऊपर बुलाने के बाद फाइनली मुझे जो चीज पता चला, आई वाज वेरी सरप्राइज। आई वाज ओके, मेरी ना जैसे आंख खुल गया, उनके शरीर के अंदर जब चीज आए, गुरु पिता मणिराम आए, जीजू झाकरी आए, तब उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो कुल है वो तुम्हें रोक रहा है, जो तुम्हारे पितृ देवता है वो तुम्हें रोक रहा है। एंड इट वाज अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी। और उन्होंने बोला देखो, अगर रोक रहे हैं तो तुम्हें पहले अपने कुल देवता की पूजा करो, वहां पे अपने जो उसका मंदिर है, कुल देवता की मंदिर है, उस मंदिर में जाके आओ और वहां पे जाके उनसे क्षमा मांगे आ जाओ। और लकीली अनलकीली में 3 महीने 4 महीने तक जा नहीं पाया, और दैट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि देख लीजिएगा, राइट? ओके, अभी एग्जाम आने वाली थी और पढ़ा तो नहीं था, राइट? ओके, पहले तो शक्ति था कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, राइट? ओके, तो एक और टेंशन ना माइंड के अंदर चल रहा था। एक चीज होती है ना कि अभी तक आपके पास पावर था तो उस पावर का आप यूज करते थे कोई चीज करने के लिए, अभी तो वो पावर भी चली गई है, या तो आपको पढ़ना पड़ेगा नहीं तो आप फिर फेल हो जाओगे। तो मैंने कुछ बहाना करके अपने गांव गया, उस मंदिर में मैंने जाके दर्शन किया अपने कुलाइन से, अपने कुल देवताओं से, फाइनली, राइट? ओके, उस उसके 2-3 दिन बाद बाद मुझे सपना आया, सपने में मैं
तो मेरे ग्रेट 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 जो कुछ चीज होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं, वो सपने में दिखे और बोले कि हम चाहते थे कि तुम्हें ऐसा गुरु मिले जो जिसको हम भी गुरु मान सकें, या फिर हमसे बड़ा हो, हमसे उच्च जाति का हो। उन्होंने ये चीज बोला मेरे सपने में, एंड इसलिए हमें तुमने कुछ किया हुआ है, बांध के रखा हुआ है। तो मैंने बोला या तो मैं मैं अपना गुरु तो छोड़ नहीं सकता, अभी मैंने ऑलरेडी उसको उनको मन से गुरु माना है, मैं आपकी कुल को छोड़ सकता हूँ, मैं अपने गोत्र को छोड़ सकता हूँ, बट मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता। अभी डिसाइड आप कर लेना कि मुझे आपके कुल में रखना है तो मेरे गुरु को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ना करूं, तो हो सकता है कि मैं आपका कुल ही छोड़ूं। सो दिस वॉज अ कन्वर्सेशन, एक बातचीत जब उसमें हुई, सपने में हुई, दो तीन दिन के बाद बहुत सारे एंसेस्टर सपने में आने लगे, वो मुझे समझाने लगे और उनके बीच में बहुत सारे फाइट होने लगे। इट वॉज एवरीथिंग ऑन अ ड्रीम, बट ड्रीम में सब कुछ हो रहा था, बट मेरे लाइफ में क्या चीज हो रहा था, आई वाज कंप्लीटली ड्रेन, आई फील लाइक कंप्लीट मैड, जैसे ना आपके शरीर में शक्ति ही ना हो, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पावर आपके शरीर के अंदर वहां पे वो संघर्ष कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, और आपके शरीर के अंदर कभी सिर में बहुत ज्यादा दर्द, जैसे ना सिर को किसने पकड़ के रखा है, जैसे होल्ड करके रखा है और आप उसी से बाहर नहीं निकल सकते, जैसे लगता है कि ना जो हार्ट में ने किसी ने आपको बड़े बड़े चाकू ने यहाँ पे खंजर गोपा हो किया, किसी ने भी कुछ भी नहीं, फिजिकली कुछ ही नहीं, आप डॉक्टर के में जाओ और दिखाओ, वहां पे कुछ भी आपको सिम्टम नहीं दिखेगा, जो हो रहा है आपके शरीर के अंदर हो रहा है, केवल आपको फील होता है। बट जब आप इसके बारे में लोगों से बात करते हो, लोग बोलते हैं कि आप तो बाहर से दिखने में तो अच्छे ही लग रहे हो, बट रेट ये आपका दिमाग का भ्रम है। सो दैट वाज अ केस, कुछ दिन तक ये पूरी की पूरी कहानी चली लाइफ में। तो मैंने फिर गुरु के कहने पर फाइनली माता के मंदिर में भी चला गया, और माता का मैंने क्या चढ़ा, खीर चढ़ाया माता को, और बोला कि देखो माँ, अभी मेरे पास आपके मंदिर में आने के अलावा और कोई मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। आपको पता होगा कास्कीकोट मंदिर में एक ऐसी जगह है, अगर आप कभी जाते हो माता के मंदिर में, देयर इज वन स्टोन, उस स्टोन में अगर कुछ भी चीज आप अर्पित कर दोगे ना, आपके एंसेस्टर को वो तुरंत मिल जाएगा। देयर इज अ प्लेस इन द टेंपल, बहुत कम लोगों को पता है, उस पत्थर में आप अगर कुछ भी रख दोगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऑफर टू योर एंसेस्टर, उस पत्थर में अगर आप जाके रख दोगे, योर एंसेस्टर विल ऑटोमेटिकली टेक इट। तब उसके बाद मैंने वहीं पे जाके जो मैंने लेके गया था, खीर वगैरह लेके गया था, मैंने अपने एंसेस्टर के लिए रख दिया और बोला एंसेस्टर आपके मेरे जितने भी पितृ देवता थे, एंड माय एंसेस्टर वेरी वेरी पावरफुल ना, अगर कुछ नहीं होते, पावरफुल नहीं होते तो मुझे उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता। तो मैंने वहां पे जाके उनको ऑफर किया, ऑफर करने के बाद मैंने बोला अभी देख लीजिएगा, मैं अपने गुरु को तो नहीं छोड़ सकता लाइफ में, अभी इससे अगर आपको खुश होना है तो हो जाओ, नहीं तो मैं संन्यास धारण कर लूंगा और आपके कुल को भी मैं छोड़ दूंगा कंप्लीटली। तो मैंने ना वहां पे जाके उनको अल्टीमेटम फाइनली दिया। उसके कुछ दिन बाद आई वेंट टू गोरखा, नेपाल में एक जगह है गोरखा, जिस जगह के नाम से नेपलीज को आज गोरखा के नाम से पुकारा जाता है, और वो जगह है गुरु गोरखनाथ का। वहां पे फिर
रोड छटाने का कुछ चीज होता है, प्रोग्राम होता है कभी कभी साल में, तो हमने जाके वहां पे कुछ रोड अर्पित किया बाबा को और बोला कि देख लीजिए कि बाबा मैं कुल और गुरु के बीच में फंसा हुआ, ठीक है ना, मन में गुरु बैठे हुए हैं, राइट, ओके, बट माय एंसेस्टर डज नॉट वांट इट, कि मेरे एंसेस्टर नहीं चाहते कि मैं उन गुरु के साथ जाके कुछ सीखूं, और मुझे जैसा गुरु चाहिए और मिलना नहीं, पॉसिबल नहीं। तो मैंने बाबा के सामने जाके अर्जी लगाया, देखो बाबा गोरखनाथ, मैं आपके मंदिर में आया हूं, यहां तक नमना 84 नाथ को लिए मैंने आज रोड अर्पित किया है, आप इस रोड से खुश हो जाओ और मेरे जितने भी कुल देवता है, मेरे पितृ देवता है, उसको मनाने का काम आपका। तो मैंने फिर बाबा की पूजा अर्जा किया, पर उसके रिटर्न होते होते, राइट, ओके, नॉर्मल चीज फाइनली नॉर्मल होने लगे। वहां से आने के बाद पहले माता के मंदिर में गए और फिर बाबा के मंदिर में जाके वो अर्जी लगाई, सो दैट वाज द टाइम, राइट, ओके। उसके बाद फाइनली माई कुल देवता स्टार्टेड टू से ओके फॉर मी, बट उनकी कृपा मुझे 6-7 साल तक नहीं मिला मेरे कुल देवता और पितृ देवता का, दे आर स्टिल अनहैप्पी विथ मी, राइट, ओके, बट उन्होंने एटलीस्ट इतना दे दिया कि हाँ तुम जिस गुरु के साथ सीख रहे हो आप सीख लेना, राइट, ओके, बट हमसे कुछ भी, राइट, ओके, कोई भी हेल्प की, राइट, ओके, गुंजाइश मत करना, होती है ना, राइट, ओके, कि आपने छोड़ तो दिया, आपने एक, राइट, ओके, वो तो दे दिया बट आपने आशीर्वाद नहीं दिया, वो चीज लाइफ में चलता रहा कुछ टाइम तक। फिर लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन हुए, अप एंड डाउन करते हुए मेरे गुरु ने एक चीज हमेशा समझाया था कि कहीं पे भी जाके कुछ भी करो, पहले अपने कुल को बुला लेना कि वो तुम्हें देखे ना देखे, बट कुल को हमेशा याद कर लेना, कुल के नाम पे हमेशा आपको जो क्रिया है गुरु ने जो जो भी सिखाया था वो चीज तुम्हें करना है करके। तो मैंने करते गया, फाइनली आफ्टर हो सकता है कि 7 साल बाद 8 साल बाद, ओके, मेरे कुलाइन की 25 हो गई, पूजा हो गई, पूजा में कि आई प्रोटेक्ट दैट टेम्पल जो मैंने गुरु ने सिखाया था, उसके बाद ही फाइनली ना मुझे अपने कुल देवता की आशीर्वाद फाइनली मिली 7-8 साल के बाद। बट अगर पहले से अगर मेरे कुल देवता और पितृ देवता के आशीर्वाद मिलते, हो सकता था कि, राइट, ओके, आई कुड हैव अचीव फार मोर थिंग्स उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जोश भी इतना था, पर एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास कंप्लीटिव फ्रीडम थे, ओके, और कंप्लीटिव फ्रीडम होने का मतलब है कि आप जो चाहो वो चीज कर सकते हो। तो मैं यहां पे इसलिए आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं, मेरे पास इतने पावरफुल गुरु होते हुए भी अगर मेरे कूल अगर उस चीज को भी रोक सकते हैं तो फॉरन नॉर्मल पीपल, और उस टाइम भी मेरे गुरु जिंदा थे, ही वॉज एक्सट्रीम पावरफुल पर्सन। मैं एक प्रसंग आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आई डोंट नो मैं प्रसंग मुझे शेयर करना है चाहिए या नहीं चाहिए। एक प्रसंग है मेरे गुरु के तो पहले बेटा हुआ था, ओके, जो फोर्थ बेटा इज माय स्टूडेंट, तो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट मेरे गुरु का ही बेटा है, ओके, तो मैं लकी हूँ कि मैं उन्हीं गुरु से सीखे उनकी बेटा को, राइट, ओके, जो सिखाने का सौभाग्य मुझे लाइफ में मिला है, राइट, ओके, मैं तो एक प्रसंग है जब उनका फर्स्ट बेटा हुआ था, ध्यान से सुन लेना इसको। तो उस टाइम पे नेपाल में, ओके, ये जो चुड़ैल है या फिर विजक्राफ्ट है, विजक्राफ्ट बहुत ज्यादा होते थे, तो अभी अभी उनका बेटा हुआ था और गुरु कहीं पे पूजा करने के लिए गए थे, तो आते हुए तो ही सद कि उनके बेटे के मुख से खून निकल के आ रहा है, तो दैट वाज द फर्स्ट चाइल्ड के मुख से अगर खून निकल के आ रहा हो तो कैसा होगा आप सोच सकते हैं, अभी अभी बेटा हुआ है, कुछ दिन का हुआ है, एंड ही फाइंड आउट,
गांव में एक रहती थी कोई, तो उन्होंने बोला कि किया इसी ने है। तो गुरु ने उसके ऊपर कुछ क्रियाएं किया और द नेक्स्ट डे सी पॉइंटर पे, नेक्स्ट डे वो ऑटो खत्म हो गए, ठीक है ना। कहानी ना यहां से शुरू होती है, ठीक है ना। अभी तो उन्होंने एक दिन में, गुरु ने उसको अपने तंत्र विद्या से उनको उससे करते खत्म कर दिया। तो जब उन महिलाओं को राइट ओके, उनकी महिलाओं के लाश को जब गाड़ने का प्रोसेस हुआ था, पूरे के पूरे गांव के जो लोग थे उन्होंने उस महिला के ऊपर पत्थर मार मार के, मरे हुए लाश के ऊपर पत्थर मार मार के केवल पत्थर से उनको ढक दिया था और गिद्ध को खाने के लिए छोड़ दिया था। आप समझ सकते हो कि उनने कितने लोगों को वहां पे उन्होंने तंग करके रखा होगा उस टाइम पे। अदरवाइज पूरे के पूरे गांव के लोग मान के चल लीजिएगा राइट, एक पूरा का पूरा गांव ही अगर किसी को वो भी मरे हुए सबके ऊपर अगर कोई वो चीज मार रहा है, पत्थर मार रहा है, इमेजिन इट। अगर पूरा का पूरा गांव अगर उसके ऊपर राइट, आज तो हम इस प्रकार की चीज नहीं है बट उस टाइम पे, सो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग न्यूज कि किसी ने उनको एक रात में खत्म कर दिया था, वो भी अपने तंत्र के बल पर। तो मेरे गुरु इतने पावरफुल थे। एक प्रसंग राइट ओके, मैं उस प्रकार किसी जब मुझे सौभाग्य मिला है कि उन गुरुओं से ये सारे के सारे विद्या सीखने का। 2060 की बात है, 2060 का मतलब अभी से 20 साल पहले ओके, ये विक्रम संवत 2000 में उसकी बात कर रहा हूँ, विक्रम संवत की बात कर रहा हूँ। अराउंड 2060, अभी शायद 2080 या फिर 81 होगा, कितना है अभी 80 है, 81 है ओके, जो विक्रम संवत अभी 80 है या फिर 81 है ओके, 2080 है अभी ओके, अब से 20 साल पहले की बात है। ड्यूरिंग दैट टाइम ना हमारे पास अभी अभी एक चीज हमारे हाथ में वो चीज हुआ करता था, नोकिया का फोन हुआ करता था, नोकिया का राइट ओके, अभी है भी राइट ओके। ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम इवन दैट नोकिया फोन यूज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बहुत ज्यादा होता था, इंपॉर्टेंट होता था नोकिया का फोन राइट ओके, और वो भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता था। और उस टाइम पे एक अच्छी चीज होती थी कि राइट ओके, आज तो पूरे के पूरे हम फोन नंबर को सेव कर सकते हैं, सब लोगों का फोन नंबर ना माइंड में सेव होता था उस टाइम पे। तो मेरा, मैं मामा के घर में आया था काठमांडू, और कलंकी के ऊपर मेरे मामा का घर था, वहां पे मैं कुछ दिन रह के ओके, तो मुझे पोखरा जाना था, तो मैं पोखरा चला गया और मैंने फोन छोड़ दिया काठमांडू में, छूट गया मेरा फोन। अभी देख लीजिएगा उस टाइम पे फोन छोड़ने का मतलब, ठीक है ना। आप कल्पना कर सकते हैं अब से 20 साल पहले, वो भी अभी है भी राइट ओके, जो पेरेंट्स ने आपको या फिर तो दिया था ओके, या फिर उस टाइम पे राइट ओके फोन चलाने वाले लोग भी बहुत कम होते थे, जिसके पास मंथली थोड़ा सा अच्छा इनकम हो केवल उनके पास ही फोन होता था। तो मैंने वो फोन छोड़ दिया पर मुझे पता भी नहीं चला। सो क्योंकि रात की बस थी ओके, सुबह जाने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरा फोन छूट गया है। नाउ मैंने अपने गुरु के घर में गया और बोला मेरा फोन छूट गया है। अब आई वाज इन एंजाइटी लेवल दैट टाइम, सो दैट वाज, अभी तो मेरे अभी तो ऐसा नहीं है, बट दैट पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका फोन छूटता है वो भी अब से 20 साल पहले, सो माय एंजाइटी लेवल वाज वेरी वेरी हाई।
और मैंने गुरु को बोला, देखो गुरु ऐसा ऐसा हुआ है आके, और मुझे बाहर के लोगों के बहुत ज्यादा फोन आते थे, तो मेरे पूरे के पूरे काम उससे रुक गया। तो गुरु ने बोला ठीक है देखते हैं। तो क्या हुआ कि अचानक से 5 मिनट तक ना वो अपने घर के अंदर, अपने मंदिर के अंदर गए, और उन्होंने गुरु माँ को बोला कि ठीक है दीपक आया हुआ है वो इसके लिए, राइट ओके मुहैया मकई दे देना बना के। अभी तो चाय का चलन नहीं था वहां पे, हम जो वो चीज बोलते हैं छाँस बोलते हैं ना, छाँस, राइट ओके, छाँस के साथ मकई खाते थे उस टाइम पे, एंड दैट वाज वन ऑफ द फेवरेट फूड फॉर मी आल्सो। ओके तो मैं और गुरु माँ बात करते हुए, राइट ओके, मुहैया मकई खा रहे थे। गुरु 5 मिनट के अंदर अंदर चले गए, और आते हुए उनके हाथ में मेरा फोन था। सो दैट वाज यू नो समथिंग, अभी भी मुझे जो याद है कि मेरे गुरु के अंदर इतनी पावर थी, फिर भी उन्होंने कभी भी उस प्रकार की चीज को ना मुझे दिखाया नहीं। बट उन्होंने हर बार, मैंने उनसे पूछता था कि मुझे ये चीज सिखाओ, हर बार जब मैंने पूछता था वो बोलते थे कि तू आज अभी छोटा है, नहीं तो इसका ना मिस यूज कर देगा। ओके उनका दैट वॉज द लाइन कि तू अभी छोटा है तो इसका मिस यूज कर देगा, तो जब समय आएगा मैं तुझे कर दूंगा, सिखा दूंगा। तो एक और प्रसंग मुझे याद आता है अभी, आज जब उनके बारे में चर्चा चल रही है, ओके, कि पहली बार मैं अपने गुरु के गांव में गया था। गुरु के गांव में गया था तो राइट ओके एक जो कम्युनिटी है तो वहां पे किसी के शादी थी। ओके तो मैं तो ब्राह्मण हूँ इसलिए मैंने कभी भी दारू वगैरह पिया नहीं, बट उनकी शादियों में ऐसा था कि राइट ओके सब लोगों को ना रक्षी परोसा जाता। ओके एवरीवन हैज टू ड्रिंक इट, राइट ओके, जब तक आपके उसमें शादी में दारू ना हो, आपके शादी में मीट ना हो, अब वो भी क्या, किसका, भैंस का, नांगे का, राइट ओके, तो तब तक ना दे डोंट फील गुड अबाउट इट, ठीक है ना। तो मैं तो उस टाइम पे आई वाज कंप्लीटली वेजिटेरियन ना, तो मैं 20 साल तक कंप्लीटली वेजिटेरियन में रहा हूँ उस टाइम पे। तो कोई भी मुझे फोर्स नहीं करता था कि मैं ब्राह्मण का बेटा था इसलिए, राइट ओके, नो बडी इवन डेयर टू आस्क मी कि मैं दारू वगैरह पीऊंगा नहीं पीऊंगा, या फिर मांस खाऊंगा नहीं खाऊंगा करके। तो सपोज शादी में गए, सो इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर माय लाइफ। एक चीज मैंने देखा कि दो दूल्हे और जो दूल्हा के ना कुछ लोगों के बीच में फाइट चल गया, फाइट हो गया, शादी में फाइट होना नॉर्मल, वॉट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है ना। अभी तो शायद आजकल होते हैं नहीं होते मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने शादी अटेंड किए हुए भी बहुत साल हो गए हैं मेरे लिए। तो दोनों पक्ष के बीच में ना फाइट हो गया। फाइट बस इतना था कि हमने 150 लोगों के लिए खाना बनाया था, आप केवल 75 लोगों, अब ये खाना कौन खाएगा, ठीक है, फाइट इतना ही था। और सब लोग दारू में धुन, ठीक है ना, सब लोग पूरे के पूरे राइट ओके और फिट्टू थे। ओके और जो जब आप भी उसके नशे में हो, दारू के नशे में हो, सामने वाला भी दारू के नशे में हो, राइट ओके, वहां पे लॉजिकल फाइट तो होगा नहीं। तो दारू के नशे में पूरे के पूरे फिट थे, और उनके बीच में फाइट होना शुरू हुआ, और फिर फाइट इतनी हद तक हो गई कि वो 150 लोगों का खाना 75 लोगों को ही खत्म करने का वो चीज हो गया, देख लीजिएगा। तो गुरु ने बोला ठीक है करते हैं। तो गुरु और कुछ लोग खाना खाने बैठे, सब लोगों ने खा लिया था, ओके, और एक लोगों का खाया, दो लोगों का खाया, 10 लोगों को खाया, करते करते लगभग 50 लोगों का खाना दो तीन आदमी ने पूरे के पूरे खत्म कर दिया।
सब लोग देखते हुए हैरान हो गए, उनको जो लगी हुई थी दारू लगी हुई थी वो पूरा का पूरा दारू भी चला गया। वो बोल रहे कि ये कैसा संभव है कि सब लोग खा रहे हैं, वो मांग रहे हैं खा रहे हैं, मांग रहे खा रहे हैं, मांग रहे खा रहे हैं, मांग रहे खा रहे हैं, और पूरे के पूरे वो चीज हो गया, खत्म हो गया। तो मेरे गुरु की टीम ने बाजी मार दी, तो यहाँ पे तो हैप्पी हो गया, राइट ओके। और उसके सम्मान स्वरूप, राइट ओके, जो नेपाल में एक चीज होती है, परंपरा होती है कि यहाँ पे ना खाता लगाया जाता है और उस खाते के अंदर पैसा डाल के सम्मान किया जाता है। तो मेरे गुरु को सम्मान दिया गया। वो रास्ते में ना आते हुए मैंने गुरु से पूछा कि गुरु जी, राइट ओके, आपने इतने लोगों का खाना खाया, ओके, तो अभी आप भी आराम से चल पा रहे हो, तो ये चीज है क्या? तो क्या आपने सचमुच में खाना खाया है? ठीक है ना। तो मैंने पूछा क्या आपने सचमुच में खाना खाया है? उन्होंने बोला हाँ मैंने खाना खाया है। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोला, थोड़ा आगे जाने के बाद, तो मैंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि वहां पे ना नदी के किनारे में जाके देख के आ जा। दो तीन लोग ना हम दौड़के हुए चले चले गए नदी के किनारे में, पूरे के पूरे खाना वहीं पे था नदी के किनारे। पूरे के पूरे खाना कहाँ पे था? नदी के किनारे में था। बट सब लोगों को ऐसा लगा कि हाँ उन्होंने खाया है। सो दैट वाज अ रियल इवेंट, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि सब लोगों के सामने उन्होंने खाना भी खाया, बट पूरे के पूरे खाना कहाँ पे था? नदी के किनारे में था। एंड दैट वाज समथिंग, राइट ओके। सो दैट हैज ओपन माय आईज, और उससे मेरे गुरु के लिए जो एक सम्मान होती है ना अंदर से, एक हमेशा ना जब कभी भी थोड़ा सा भक्ति कम हो ना, तो गुरु कुछ ना कुछ ऐसे उस तरीके से डोज दे देते थे कि राइट ओके, मेरा जो एक एक ट्रस्ट लेवल है उनके ऊपर हमेशा बनी रहे। अब दैट पीरियड ऑफ टाइम मेरा लॉजिक माइंड बहुत ज्यादा चलता था, अभी भी चलता है फिर भी। सो दैट पीरियड ऑफ टाइम वाज कंप्लीटली लॉजिकल, मैं साधना करता था, मुझे पूरे के पूरे एक्सपीरियंसेस होते थे, एक्सपीरियंस होते हुए भी, राइट, लोगों के जैसे ना जो आकाश में उड़ने से लेके ये देखना वो देखना मुझे कभी भी लाइफ में नहीं हुआ। ओके, तो आई वॉज कंप्लीटली अ पर्सन ऑफ द लॉजिक, और अब मुझे हैंडल करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और उस टाइम पे गुरु ने जिस तरीके से, जिस प्रेम के साथ, जिस चीज को दिखाते हुए, जिस चीज को सामने रखते हुए उन्होंने जो चीज किया ना, आई थिंक सो दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ माय लाइफ। और हमेशा गुरु का एक ही चीज उन्होंने बोला, अभी गुरु जाने से पहले भी, अभी तो वो चले गए, बट उनको पता था कि उनको जाना कब है, एंड ही हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड इट। तो उन्होंने अनाउंस करके गए थे कि उनका अभी कितने दिन का टाइम है, और जितने भी उनके बेटे बाहर थे पूरे के पूरे उसी टाइम पे नेपाल में आए हुए थे, ठीक है ना। और जितने भी लोगों को उनकी सदगति में जाना था, पूरे के पूरे लोग उनका सदगति में गए, 6 लोगों ने दागबत्ती दिया। ओके, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मैं भी उनमें से एक हूँ जो अपने गुरु के, राइट ओके, मुख में दागबत्ती देने का जो सौभाग्य है, और वो भी उन्होंने बुलाया। एंड ओनली फ्यू पीपल नोस कि राइट ओके, जिस माहौल में मुझे जाना था या फिर जिस माहौल में मुझे जाना पड़ा, नोबडी कोई भी सोच सकता है कि उस रूप में मैं जा पाऊंगा। अभी मैं आज जैसे पूरे के पूरे डिटेल को यहाँ पे नहीं बोलूंगा क्योंकि ये लाइव चल रही है, राइट ओके, एंड एनीबडी कैन सी इट। तो ही वॉज वेरी हैप्पी और जाने से पहले, क्योंकि ही नो कि उनकी मौत कब होने वाली है, ही अनाउंस्ड इट। तो अपने मौत को अनाउंस करते हुए अगर कोई कोई जा सकता है, देख लीजिएगा वो मेंटली फिजिकली इमोशनली कितना प्रिपेयर रहा होगा जाने के टाइम। अगर जो फोटो मैंने आप लोगों के साथ किया है एज अ ग्रुप में, मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था, शायद आपने देखा है, नहीं देखा है,
वो हंसते हुए और वो भी आंखें को खुलती हुई वो गए. एंड दैट वाज समथिंग यू नो. हाँ, नेपाल में ना अभी तो लोग रोने लगे हैं मौत के टाइम पे, बट जब आप इतिहास को देखते हो, साइंस को देखते हो, राइट ओके, हम कभी भी मौत के टाइम पे नहीं रोते. वी सेलिब्रेट द डेथ. हम मृत्यु का सम्मान करते हैं. क्योंकि देख लीजिएगा, जब जन्म होती है, मृत्यु एक दिन तो आना ही है, जल्दी आए या फिर बाद में आए, वही जीवन का अंतिम सत्य है. और जिस दिन आप मृत्यु को भी सेलिब्रेट कर पाओगे, आप समझ लेना यू हैव फाइनली बिकम स्ट्रॉन्गर. और इसलिए राइट ओके, इवन उन्होंने यही चीज बोला कि किसी को भी रोना नहीं है, हंसते ही हुए ही उनके लिए सेलिब्रेट करना है. और ये उनकी अंतिम यात्रा नहीं है, यहाँ पे जाके उनका फिजिकल बॉडी खत्म हुआ है, बट उनकी जो आत्मा है उनकी यात्रा अभी भी चल रही. तो दैट्स व्हाई राइट ओके. फिर भी आज के क्लास में हम ये कर लेंगे कि आपके जो एंसेस्टर है उनकी ब्लॉकेज को ना थोड़ा सा रिमूव करेंगे. एंड आने वाले दिन में मे बी गुड़गांव में और हैदराबाद में वी आर गोइंग टू हैव अ फ्री शैमनिक वर्कशॉप सर्टिफाइड ऑन राइट ओके. सो दिस विल बी द वन टाइम वर्कशॉप. सो इस मौके पर ओके, गुरु जी का जो महा हुआ है, रन हुआ है इन गुरुज ऑनर, वी आर गोइंग टू हैव फ्री सर्टिफाइड शैमनिक वर्कशॉप इन गुड़गांव एंड इन हैदराबाद ऑन दिस कमिंग. अगर आप मीन दिल्ली में, गुड़गांव में हो या फिर हैदराबाद में हो, प्लीज उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर लीजिएगा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. I want you to make your backbone straight. Now, slowly close your eyes. आंखें बंद कर लीजिएगा. जो प्रोसेस मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, ये प्रोसेस मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था बहुत पहले. प्रोसेस दिखने में बहुत सिंपल है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेस. कल्पना कर लीजिएगा कि आपके रूट चक्र, जो आपका रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, बैकबोन के नीचे ऑन द बेस ऑफ योर स्पाइन, वहां पे चार कुंड है और उस कुंड में अग्नि जल रही है. जैसे रूट चक्र में चार पेटल होते हैं, रेड कलर का पेटल होता है जो, उसी पेटल के ऊपर एक एक कुंड है और उस कुंड से अग्नि निकल के आ रही. बस अग्नि आपकी आत्मा की, आपकी आत्मा की अग्नि को वहां पे देखे ऑन द फर्स्ट पेटल ऑफ रूट चक्र. अग्नि आपकी आत्मा की अग्नि. सेकेंड पेटल में वहां पे अग्नि को देखिए, परमात्मा की अग्नि को, वहां से अग्नि निकलती है आत्मा की फर्स्ट में. सेकेंड में देखिए परमात्मा की, पेटल वहां पे देखे ज्ञानात्मा की. जितने भी कुंड हैं उस कुंड में आपको देखना है.
फोर्थ में देखना है अंतरात्मा, चार अग्नि है, एक आत्मा की, एक परमात्मा की, एक ज्ञानात्मा की और एक ही अंतरात्मा। आत्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा और है अंतरात्मा, चार अग्नि है, चार बड़े बड़े कुंडम है वहां पे अग्नि है और उसके बीच में एक बड़ा सा कुंड है और उससे बड़ी सी फायर निकल के आ रही है उनके बीच में। इसको बोल दीजिएगा कुंडलिनी की अग्नि या फिर देवी कास्की कालिका, लाल कलर की। यहाँ पे पांच कुंड आपके सामने, पांच कुंड, आत्मा की अग्नि, परमात्मा की अग्नि, ज्ञानात्मा की अग्नि, अंतरात्मा की अग्नि और देवी कास्की कालिका की कुंडलिनी की अग्नि। इसमें कल्पना करें कि जो फायर है इट इज इंक्रीजिंग, जब आप इस पांचों अग्नि को देख रहे हो, बीच में कास्की कालिका के कुंडलिनी शक्ति की अग्नि, एक पेटल में आत्मा की अग्नि, परमात्मा की अग्नि, ज्ञानात्मा की अग्नि और अंतरात्मा की अग्नि, जिससे आपके शरीर के जितने भी ब्लड हैं, जो आपके शरीर में जो खून है, तो जैसे वो पूरे के पूरे खून इन्हीं कुंड के ऊपर जा रहा है और तप 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 करके हुए आप वहां पे हवन कर रहे हैं। आपके शरीर की जितने भी शक्तियां हैं, जो ब्लड है आपके शरीर के अंदर, वो पूरे के पूरे ब्लड यही कुंड में जा रहा है और यहीं पे आप उस अग्नि के हवन कुंड में अपने ब्लड को आहुति देते हुए आप फील कर पा रहे। जब जब मैं स्वाहा बोलूंगा आपको कल्पना करना है कि आपके शरीर के अंदर के जितने भी हो सकते हैं, जितने भी एनर्जी है, वहां पे आप स्वाहा के साथ साथ आपको वहां पे देना, आहुति देना। अहं तं जुहोमि स्वाहा, अहं तं जुहोमि स्वाहा, अहं तं जुहोमि स्वाहा, असत्यं जुहोमि स्वाहा, असत्यं जुहोमि स्वाहा, असत्यं जुहोमि स्वाहा, वैशून्यं जुहोमि स्वाहा, वैशून्यं जुहोमि स्वाहा, कामं जुहोमि स्वाहा, क्रोधं जुहोमि स्वाहा, लोभं जुहोमि स्वाहा, मदं जुहोमि स्वाहा, मत्सरं जुहोमि स्वाहा, कुंडलिनी जुहोमि स्वाहा, कुंडलिनी जुहोमि स्वाहा, कुंडलिनी जुहोमि स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा,
ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम पितृदेवताय नमः स्वाहा, ओम पितृदेवताय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम कराले नमः स्वाहा, ओम कल्याणे नमः स्वाहा, ओम कमलाय नमः स्वाहा, ओम कलाय नमः स्वाहा, ओम कलावत्ते नमः स्वाहा, ओम कलाढ़े नमः स्वाहा, ओम कलापूज्याय नमः स्वाहा, ओम कलात्मिकाय नमः स्वाहा, ओम कलाहस्ताय नमः स्वाहा, ओम कलापुष्टाय नमः स्वाहा, ओम कलामस्ताय नमः स्वाहा, ओम कलाधराय नमः स्वाहा, ओम कलाकोटि समाभासाय नमः स्वाहा, ओम कलाकोटि प्रपूजिताय नमः स्वाहा, ओम कलाकर्म कलाधराय नमः स्वाहा, ओम कलापराय नमः स्वाहा, ओम कलागमाय नमः स्वाहा, ओम कलाधाराय नमः स्वाहा, ओम कमलिन्ने नमः स्वाहा, ओम ककराय नमः स्वाहा, ओम करुणाय नमः स्वाहा, ओम कभ्ये नमः स्वाहा, ओम ककारवर्ण सर्वांगे नमः स्वाहा, ओम कलाकोटि प्रभूषिताय नमः स्वाहा, ओम ककार कोटि गुणिताय नमः स्वाहा, ओम ककार कोटि भूषणाय नमः स्वाहा, ओम ककार वर्ण हृदयाय नमः स्वाहा, ओम ककार मनु मंडिताय नमः स्वाहा, ओम ककार वर्ण नीलयाय नमः स्वाहा, ओम काक शब्द परायणाय नमः स्वाहा, ओम ककार वर्ण मुकुटाय नमः स्वाहा, ओम ककार वर्ण भूषणाय नमः स्वाहा, ओम ककार वर्ण रूपाय नमः स्वाहा, ओम काक शब्द परायणाय नमः स्वाहा, ओम ककबीरा सफल रताय नमः स्वाहा, ओम कमलाकर पूजिताय नमः स्वाहा, ओम कमलाकर नाथाय नमः स्वाहा, ओम कलंक ओम कमलाकर रूप धृष्य नमः स्वाहा, ओम कमलाकर सिद्धिस्ताय नमः स्वाहा, ओम कमलाकर पारदाय नमः स्वाहा, ओम कमलाकर मध्यस्थाय नमः स्वाहा, ओम कमलाकर तोषिताय नमः स्वाहा, ओम कथंकार परालापाय नमः स्वाहा, ओम कथंकार परायणाय नमः स्वाहा, ओम कथंकार पदांताय नमः स्वाहा, ओम कथंकार पदार्थ भूभे नमः स्वाहा, ओम कमलाक्षय नमः स्वाहा, ओम कमलजाय नमः स्वाहा, ओम कमलाक्ष प्रपूजिताय नमः स्वाहा, ओम कमलाक्ष बरोधुताय नमः स्वाहा, ओम ककाराय नमः स्वाहा, ओम कर्पूराक्षराय नमः स्वाहा, ओम करधाराय नमः स्वाहा, ओम करछिन्नाय नमः स्वाहा, ओम करश्यामाय नमः स्वाहा, ओम करानभाय नमः स्वाहा, ओम करपूज्याय नमः स्वाहा, ओम कररताय नमः स्वाहा, ओम करदाय नमः स्वाहा, ओम करदाय नमः स्वाहा, ओम कररताय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कास्की कालिकाय नमः स्वाहा, ओम करदाय नमः स्वाहा, ओम करपूजिताय नमः स्वाहा, ओम करतोषाय नमः स्वाहा, ओम करामर्शाय नमः स्वाहा, ओम करमनासाय नमः स्वाहा, ओम करप्रियाय नमः स्वाहा, ओम करकजाय नमः स्वाहा, ओम करकाय नमः स्वाहा, ओम करकांतराय नमः स्वाहा, ओम करकांचल रूपाय नमः स्वाहा, ओम करकांचल शुभिन्ने नमः स्वाहा, ओम करकांचल पुत्रे नमः स्वाहा, ओम करकांचल तोषिताय नमः स्वाहा, ओम करकांचल गेहस्ताय नमः स्वाहा, ओम करकांचल रक्षिणे नमः स्वाहा, ओम करकांचल सम्मानयाय नमः स्वाहा, ओम करकांचल कारिण्ये नमः स्वाहा, ओम करकांचल वृषाढयाय नमः स्वाहा, ओम करकांचल रंजिताय नमः स्वाहा, ओम करकांचल कांताराय नमः स्वाहा, ओम करकांचल मालिन्ये नमः स्वाहा, ओम करकांचल भोज्याय नमः स्वाहा, ओम करकांचल रूपिण्ये नमः स्वाहा, ओम करामलक संस्थाय नमः स्वाहा, ओम करामलक सिद्धिदाय नमः स्वाहा, ओम करामलक संपूज्याय नमः स्वाहा, ओम करामलक तारिण्ये नमः स्वाहा, ओम करामलक काले नमः स्वाहा, ओम करामलक रोचिन्ये नमः स्वाहा, ओम करामलक मात्रे नमः स्वाहा, ओम करामलक शेभिन्ये नमः स्वाहा, ओम करामलक बद्धयेयाय नमः स्वाहा, ओम करामलक दायिन्ये नमः स्वाहा, ओम कंजनेत्राय नमः स्वाहा,
ओम कंजगत्ते नमः स्वाहा, ओम कंजस्थाये नमः स्वाहा, ओम कंजा धारिणे नमः स्वाहा, ओम कंजमाला प्रियकये नमः स्वाहा, ओम कंजरूपाय नमः स्वाहा, ओम कंजनाय नमः स्वाहा, ओम कंजजाते नमः स्वाहा, ओम कंजगत्ते नमः स्वाहा, ओम कंज होम परायणाय नमः स्वाहा, ओम कंज मंडल मध्यस्थाय नमः स्वाहा, ओम कंजाभरण भूषिताय नमः स्वाहा, ओम कंज सम्मान निरताय नमः स्वाहा, ओम कंजोत्पत्ति परायणाय नमः स्वाहा, ओम कंज राशि समाकाराय नमः स्वाहा, ओम कंजारण्य निवासिन्ने नमः स्वाहा, ओम करंज वृक्ष मध्यस्थाय नमः स्वाहा, ओम करंज वृक्षवासिन्ने नमः स्वाहा, ओम करंज फल भूषाढ़याय नमः स्वाहा, ओम करंजारण्य वासिन्ने नमः स्वाहा, ओम करंज मालाभरणाय नमः स्वाहा, ओम करबाल परायणाय नमः स्वाहा, ओम करबाल प्रहष्टात्मने नमः स्वाहा, ओम करबाल प्रियागत्ये नमः स्वाहा, ओम करबाल प्रियकंधाय नमः स्वाहा, ओम करबाल विहारिण्ये नमः स्वाहा, ओम करबालमये नमः स्वाहा, ओम कर्माये नमः स्वाहा, ओम करवाल प्रियंकरये नमः स्वाहा, ओ कवंद माला भरणाय नमः स्वाहा, ओ कवंद राशि मध्यगाय नमः स्वाहा, ओम कवंद कुट संस्थानाय नमः स्वाहा, ओ कवंद अनंत भूषणाय नमः स्वाहा, ओ कवंद नाद संतुष्टाय नमः स्वाहा, ओ कवंद आसन धारिणी नमः स्वाहा, ओम कवंद गृह मध्यस्थाय नमः स्वाहा, ओ कवंद वनवासिनी नमः स्वाहा, ओ कवंद कांचे नमः स्वाहा, ओम करण्ये नमः स्वाहा, ओ कवंद राशि भूषणाय नमः स्वाहा, ओ कवंद माला जयदाय नमः स्वाहा, ओ कवंद देहवासिनी नमः स्वाहा, ओ कवंदासन मान्यन्ये नमः स्वाहा, ओम कपाल मल्य धारिण्ये नमः स्वाहा, ओम कपाल माल मध्यस्थाय नमः स्वाहा, ओम कपाल व्रत कोषिताय नमः स्वाहा, ओम कपाल दीप संतुष्टाय नमः स्वाहा, ओम कपाल दीप रूपिण्ये नमः स्वाहा, ओम कपाल दीप वरदाय नमः स्वाहा, ओम कपाल कंजल स्थिलाय नमः स्वाहा, ओम कपाल माला जयदाय नमः स्वाहा, ओम कपाल जपो तोषिण्ये नमः स्वाहा, ओम कपाल सिद्धि संहष्टाय नमः स्वाहा, ओम कपाल भोजनोदताय नमः स्वाहा, ओम कपाल व्रत संस्थानाय नमः स्वाहा, कपाल कमलालयाय नमः स्वाहा, ओम कवित्वामृत साराय नमः स्वाहा, ओम कवित्वामृत सागराय नमः स्वाहा, ओम कवित्व सिद्धि संहष्टाय नमः स्वाहा, ओम कवित्व दानकारिण्ये नमः स्वाहा, ओम कवि पूज्याय नमः स्वाहा, ओम कविगत्ये नमः स्वाहा, ओम कवि रूपाय नमः स्वाहा, ओम कवि प्रियाय नमः स्वाहा, ओम कवि ब्रह्मानंद रूपाय नमः स्वाहा, ओम कवि व्रत तोषिताय नमः स्वाहा, ओम कवि मानस संस्थानाय नमः स्वाहा, ओम कवि वांछा प्रपूरिण्ये नमः स्वाहा, ओम कवि कंठ स्थिताय नमः स्वाहा, ओम कम रेम कम 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 कवि पुरतिदाय नमः स्वाहा, ओम कंजलाय नमः स्वाहा, ओम कंजला दान मानसाय नमः स्वाहा, ओम कंजल प्रियाय नमः स्वाहा, ओम कपाल कंजल समाय नमः स्वाहा, ओम कंजलेश प्रपूजिताय नमः स्वाहा, ओम कंजला मध्यस्थाय नमः स्वाहा, ओम कंजला नंद रूपिण्ये नमः स्वाहा, ओम कंजल प्रिय संतुष्टाय नमः स्वाहा, ओम कंजल प्रिय तोषिण्ये नमः स्वाहा, ओम कपाल माला भरणाय नमः स्वाहा, ओम कपाल कर भूषणाय नमः स्वाहा, ओम कपाल कर भूषाढ़याय नमः स्वाहा, ओम कपाल चक्र मंडिताय नमः स्वाहा, ओम कपाल कोटि नीलेयाय नमः स्वाहा, ओम कपाल दुर्ग कारिण्ये नमः स्वाहा, ओम कपाल गृहस्थनाय नमः स्वाहा, ओम कपाल चक्रवासिन्ये नमः स्वाहा, ओम कपाल पात्र संतुष्टाय नमः स्वाहा, ओम कपालार्घ परायणाय नमः स्वाहा, ओम कपालार्घ प्रिय प्राणाय नमः स्वाहा, ओम कपालार्घ वर प्रदाय नमः स्वाहा, ओम कपाल चक्र रूपाय नमः स्वाहा, ओम कपाल रूप मात्रगाय नमः स्वाहा, ओम कदल्ले नमः स्वाहा, ओम कदली रूपाय नमः स्वाहा, ओम कदली वनवासिन्ये नमः स्वाहा, ओम कदली पुष्प संप्रीताय नमः स्वाहा, ओम कदली फल मानसाय नमः स्वाहा, ओम कदली होम संतुष्टाय नमः स्वाहा, ओम कदली दर्शनोदताय नमः स्वाहा, ओम कदली गर्भ मध्यस्थाय नमः स्वाहा, ओम कदली वन सुंदरे नमः स्वाहा, ओम कदंब पुष्प नीलयाय नमः स्वाहा, ओम कदंब वन मध्यगाय नमः स्वाहा, ओम कदंब कुसुम मोदाय नमः स्वाहा, ओम कदंब वन तोषिण्ये नमः स्वाहा, ओम कदंब पुष्प संपूज्याय नमः स्वाहा, ओम कदंब पुष्प होमदाय नमः स्वाहा, ओम कदंब पुष्प मध्यस्थाय नमः स्वाहा, ओम कदंब
अला भोजिन्ने नम स्वाहा ओम कदंब काननांतस्थाय नम स्वाहा ओम कदंबाचल भाषिन्ने नम स्वाहा ओम कक्षपाय नम स्वाहा ओम कक्षपाराधयाय नम स्वाहा ओम कक्षपान संस्थिताय नम स्वाहा ओम कणपुराय नम स्वाहा ओम कणनाशाय नम स्वाहा ओम कणाढयाय नम स्वाहा ओम काल भैरव्ये नम स्वाहा ओम कलह प्रीताय नम स्वाहा ओम कलहदाय नम स्वाहा ओम कलहाय नम स्वाहा ओम कह ओम कलहातुराय नम स्वाहा ओम कणयक्षे नम स्वाहा ओम कणवार्तकिन्ने नम स्वाहा ओम कणसुंदरे नम स्वाहा ओम कणपिचासिन्ने नम स्वाहा ओम कणमंजरे नम स्वाहा ओम कवच ओम कविकक्षराय नम स्वाहा ओम कविकक्ष विरूपाढयाय नम स्वाहा ओम कविकक्ष स्वरूपिन्ने नम स्वाहा ओम कस्तूरी मृग संस्थानाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी मृग रूपिण्ये नम स्वाहा ओम कस्तूरी मृग संतोषाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी मृग मध्यगाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी रशनी लांगिन्ये नम स्वाहा ओम कस्तूरी गंध तोषिताय नम स्वाहा कस्तूरी पूजक प्राणाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी पूजक प्रियाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी प्रेम संतुष्टाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी प्राण धारिण्ये नम स्वाहा ओम कस्तूरी पूजकानंदाय नम स्वाहा कस्तूरी गंध रूपिण्ये नम स्वाहा कस्तूरी मालिका रूपाय नम स्वाहा कस्तूरी भोजन प्रियाय नम स्वाहा कस्तूरी तिलकानंदाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी तिलक प्रियाय नम स्वाहा कस्तूरी होम संतुष्टाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी होम संतुष्टाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी होम संतुष्टाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी तर्पणोदताय नम स्वाहा ओम कस्तूरी मार्गनोदुताय नम स्वाहा ओम कस्तूरी चक्र पूजिताय नम स्वाहा ओम कस्तूरी पुष्प संपूज्याय नम स्वाहा ओम कस्तूरी चर्वणोदताय नम स्वाहा ओम कस्तूरी गर्भ मध्यस्थाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी वस्त्रधारिण्ये नम स्वाहा ओम कस्तूरी कामोदरताय नम स्वाहा ओम कस्तूरी वनवासिन्ये नम स्वाहा ओम कस्तूरी वन संरक्षाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी प्रेम धारण्ये नम स्वाहा ओम कस्तूरी शक्ति निलयाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी शक्ति कुंडगाय नम स्वाहा कस्तूरी कुंड संस्राताय नम स्वाहा ओम कस्तूरी कुंड मज्जनाय नम स्वाहा कस्तूरी जीव संतुष्टाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी जीव धारिण्ये नम स्वाहा कस्तूरी परमामोदाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी जीवन क्षमाय नम स्वाहा कस्तूरी जाति भावस्थाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी गंध चुम्बनाय नम स्वाहा कस्तूरी गंध संशोभा विराजित कपाल भुवे नम स्वाहा कस्तूरी मदनांतस्थाय नम स्वाहा कस्तूरी मद हर्षदाय नम स्वाहा कस्तूरे नम स्वाहा कवितानाढयाय नम स्वाहा कस्तूरी गृह मध्यगाय नम स्वाहा कस्तूरी स्पर्श प्राणाय नम स्वाहा कस्तूरी बिंदकांत काय नम स्वाहा ओम कस्तूरी या मोदरसिकाय नम स्वाहा ओम कस्तूरी कृणनो दताय नम स्वाहा ओम कस्तूरी दान नीरताय नम स्वाहा कस्तूरी वरदायिन्ये नम स्वाहा ओम कस्तूरी स्थापन सक्ताय नम स्वाहा कस्तूरी स्थान रंजिन्ये नम स्वाहा ओम कस्तूरी कुशल प्रश्नाय नम स्वाहा कस्तूरी स्तुति वंदिताय नम स्वाहा ओम कस्तूरी वंद काराध्ये नम स्वाहा ओम कस्तूरी स्थानवासिन्ये नम स्वाहा ओम कह रूपाय नम स्वाहा कहढाय नम स्वाहा ओम कहानंदाय नम स्वाहा ओम कहात्मभुवे नम स्वाहा ओम कह पूज्याय नम स्वाहा ओम कहोत्याख्याय नम स्वाहा ओम कह हेयाय नम स्वाहा ओम कहात्मिकाय नम स्वाहा ओम कह मालाय नम स्वाहा ओम कंठभूषाय नम स्वाहा ओम कह मंत्र जपोथाय नम स्वाहा ओम कह नाम स्मृति पराय नम स्वाहा ओम कह नाम परायणाय नम स्वाहा ओम कह परायण रताय नम स्वाहा ओम कह दिव्य नम स्वाहा ओम कहेश्वरे नम स्वाहा ओम कह हित्ये नम स्वाहा ओम कह आनंदाय नम स्वाहा ओम कह नाद परायणाय नम स्वाहा ओम कह मंत्रे नम स्वाहा ओम कहांतस्ताय नम स्वाहा ओम कह मंत्राय नम स्वाहा ओम कहेश्वरे नम स्वाहा ओम कह गेयाय नम स्वाहा ओम कह राध्याय नम स्वाहा ओम कह ध्यान परायणाय नम स्वाहा ओम कह तंत्राय नम स्वाहा ओम कह कहाय नम स्वाहा ओम कह चर्या परायणाय नम स्वाहा ओम कह चराय नम स्वाहा ओम कह गत्ये नम स्वाहा ओम कह तांडवकारिण्ये नम स्वाहा ओम कह अरण्याय नम स्वाहा ओम कह गत्ये नम स्वाहा ओम कह शक्ति परायणाय नम स्वाहा ओम कह राज्य रताय नम स्वाहा ओम कर्म साक्षिण्ये नम स्वाहा ओम कर्म सुंदरे नम स्वाहा ओम कर्म विद्याय नम स्वाहा ओम कर्म गत्ये नम स्वाहा ओम कर्म तंत्र परायणाय नम स्वाहा ओम कर्म मात्राय नम स्वाहा ओम कर्म गात्राय नम स्वाहा ओम कर्म धर्म परायणाय नम स्वाहा ओम कर्म रेखा नाशकत्रे नम स्वाहा ओम कर्म रेखा विनोदिन्ने नम स्वाहा ओम कर्म रेखा मोहकरे नम स्वाहा।
ओम कर्म कृति पारायणाय नमः स्वाहा, ओम कर्म विद्याय नमः स्वाहा, ओम कर्म साराय नमः स्वाहा, ओम कर्म धाराय नमः स्वाहा, ओम कर्म भूमे नमः स्वाहा, ओम कर्म कारे नमः स्वाहा, ओम कर्म हारे नमः स्वाहा, ओम कर्म कौतुक सुंदरे नमः स्वाहा, ओम कर्म काले नमः स्वाहा, ओम कर्म ताराय नमः स्वाहा, ओम कर्म छिन्नाय नमः स्वाहा, ओम कर्मदाय नमः स्वाहा, ओम कर्म चांडालिन्ने नमः स्वाहा, ओम कर्म वेद मात्रे नमः स्वाहा, ओम कर्म भूमे नमः स्वाहा, ओम कर्म कांडर नातंताय नमः स्वाहा, ओम कर्म कांडानुमानिताय नमः स्वाहा, ओम कर्म कांड परिणाहाय नमः स्वाहा, ओम कमठाय नमः स्वाहा, ओम कमठाकृत्ये नमः स्वाहा, कमठाराध्ये हृदयाय नमः स्वाहा, ओम कमठाय नमः स्वाहा, ओम कंठ सुंदरे नमः स्वाहा, कमठासन संशद्याय नमः स्वाहा, ओम कमठाय नमः स्वाहा, ओम कर्म तत्पराय नमः स्वाहा, ओम करुणाकर कांताराय नमः स्वाहा, ओम करुणाकर बंदिताय नमः स्वाहा, कठोराय नमः स्वाहा, ओम करमालाय नमः स्वाहा, कठोर कुच धारिण्ये नमः स्वाहा, ओम कपरदिन्ने स्वाहा, ओम कपडिन्ने स्वाहा, ओ कठिन्ने नमः स्वाहा, ओम कंक भूषणाय नमः स्वाहा, ओम कर भोर्वे नमः स्वाहा, ओम कठिनदाय नमः स्वाहा, ओम करभाय नमः स्वाहा, ओम करभालयाय नमः स्वाहा, ओम कलभासामय नमः स्वाहा, ओम कल्पाय नमः स्वाहा, ओम कल्पनाय नमः स्वाहा, ओम कल्पदाय नमः स्वाहा, ओम कल्पस्थाय नमः स्वाहा, ओम कमला ओम कलामालाय नमः स्वाहा, ओम कला ओम कमलाशयाय नमः स्वाहा, ओम कवर्णनाथ प्रभाय नमः स्वाहा, ओम ककुधिन्ने नमः स्वाहा, ओम कष्टवत्ते नमः स्वाहा, ओम करणीय कथार्चिताय नमः स्वाहा, ओम कथार्चिताय नमः स्वाहा, ओम कसतन्ने नमः स्वाहा, कंस सुंदर धारिण्ये नमः स्वाहा, कठोर कुच संलग्नाय नमः स्वाहा, ओम कटेशूत्र विराजिताय नमः स्वाहा, कणवक्ष प्रियाय नमः स्वाहा, ओम कंधाय नमः स्वाहा, ओम कथाय नमः स्वाहा, ओम कंदगत्ते नमः स्वाहा, ओम कल्ले नमः स्वाहा, ओम कलिग्रहे नमः स्वाहा, ओम कलिदुत्ते नमः स्वाहा, ओम कविनायक पूजिताय नमः स्वाहा, ओम कणकक्ष नियंत्रे नमः स्वाहा, ओम कवि विभरार्चिताय नमः स्वाहा, ओम कत्रे नमः स्वाहा, ओम कर्तिका भूषाय नमः स्वाहा, ओम करिण्ये नमः स्वाहा, ओम कर्णसत्वपाय नमः स्वाहा, कर्णस्य नमः स्वाहा, ओम कर्णपाय नमः स्वाहा, ओम कलावाचाय नमः स्वाहा, ओम कलानिध्ये नमः स्वाहा, ओम कलनाय नमः स्वाहा, ओम कलनाधाराय नमः स्वाहा, ओम कलनाय नमः स्वाहा, ओम कारिकाय नमः स्वाहा, ओम काराय नमः स्वाहा, ओम कलगेलाय नमः स्वाहा, ओम कर्कराशे नमः स्वाहा, ओम कर्कराशे प्रपूजिताय नमः स्वाहा, ओम कन्याराशे नमः स्वाहा, ओम कन्याकाय नमः स्वाहा, ओम कन्याका प्रिय भाष्यने नमः स्वाहा, ओम कन्याका दान संतुष्टाय नमः स्वाहा, ओम कन्याका दान तोषिण्ये नमः स्वाहा, ओम कन्या दानकरानंदाय नमः स्वाहा, ओम कन्यादान गृहस्थदाय नमः स्वाहा, ओम कर्षदाय नमः स्वाहा, ओम कक्षदहनाय नमः स्वाहा, कामिताय नमः स्वाहा, ओम कमलासनाय नमः स्वाहा, ओम करमाल नंदकत्रे नमः स्वाहा, करमाल प्रतोषिताय नमः स्वाहा, ओम करमाल शयानंदाय नमः स्वाहा, करमाल समागमाय नमः स्वाहा, ओम करमाल सिद्धिदात्रे नमः स्वाहा, ओम करमालाय नमः स्वाहा, ओम करप्रियाय नमः स्वाहा, ओम कर प्रियकररताय नमः स्वाहा, करदान परायणाय नमः स्वाहा, ओम कलानंदाय नमः स्वाहा, ओम कलिगत्ते नमः स्वाहा, कलिपूज्याय नमः स्वाहा, ओम कलि प्रश्वै नमः स्वाहा, ओम कलनाद निनादस्थाय नमः स्वाहा, ओम कलनाद वरप्रदाय नमः स्वाहा, ओम कलनाद समाजस्थाय नमः स्वाहा, ओम कहोलाय नमः स्वाहा, ओम कहोलदाय नमः स्वाहा, ओम कहोल गेह मध्यस्थाय नमः स्वाहा, ओम कहोल वरदायिन्ये नमः स्वाहा, ओम कहोल कविताधाराय नमः स्वाहा, कहोल ऋषि मानिताय नमः स्वाहा, ओम कहोल मान शारध्याय नमः स्वाहा, कहोल वाक्य कारिण्ये नमः स्वाहा, ओम कर्तृपाय नमः स्वाहा, ओम कर्ति मात्रे नमः स्वाहा, कर्ति मात्रे नमः स्वाहा, ओम कर्तये नमः स्वाहा, ओम कनियाय नमः स्वाहा, ओम कनकाराधयाय नमः स्वाहा, ओम कनीनाकमये नमः स्वाहा, ओम कनियानंद नीलयाय नमः स्वाहा, ओम कनकानंद तोषिताय नमः स्वाहा, ओम कनीयककराय नमः स्वाहा, काष्ठाय नमः स्वाहा, ओम कदाणवकये नमः स्वाहा, ओम करे नमः स्वाहा, ओम करिगम्याय नमः स्वाहा, ओम करिगत्ते नमः स्वाहा, ओम करिधोजपरायणाय नमः स्वाहा, ओम करिनाथ प्रियाय नमः स्वाहा, ओम कंठाय नमः स्वाहा, ओम कथा कप्रतोषिताय नमः स्वाहा,
ओम कमनीयाय नमः स्वाहा, ओम कमनकाय नमः स्वाहा, ओम कमनीय विभूषणाय नमः स्वाहा, ओम कमनीय समाजस्थाय नमः स्वाहा, ओम कमनीय प्रतप्रियाय नमः स्वाहा, ओम कमनीय गुणाराध्याय नमः स्वाहा, ओम कपिलाय नमः स्वाहा, ओम कपिलेश्वरे नमः स्वाहा, ओम कपिलाराध्य हृदयाय नमः स्वाहा, ओम कपिलप्रिय वादिन्ये नमः स्वाहा, ओम कह चक्र मंत्रवणाय नमः स्वाहा, ओम कह चक्र प्रश्वनकाय नमः स्वाहा, ओम काय इलारिम स्वरूपाय नमः स्वाहा, काय ईलारिं वर प्रदाय नमः स्वाहा, ओम कायम ईलारिं सिद्धिदात्रे नमः स्वाहा, ओम काय ईलारिं स्वरूपिणे नमः स्वाहा, ओम काय ईलारिं मंत्रवणाय नमः स्वाहा, ओम कायम ईलारिं प्रश्वकलाय नमः स्वाहा, ओम कवर्गाय नमः स्वाहा, ओम कपटस्थाय नमः स्वाहा, ओम कपोट द्वाटन क्षमाय नमः स्वाहा, ओम कंकाले नमः स्वाहा, ओम कपाले नमः स्वाहा, ओम कंकाल प्रिय भाषिने नमः स्वाहा, ओम कंकाल भैरवाराध्याय नमः स्वाहा, ओम कंकाल मान संस्थिताय नमः स्वाहा, ओम कंकाल मोह निरताय नमः स्वाहा, ओम कंकाल मोहदायिने नमः स्वाहा, ओम कलुषग्ने नमः स्वाहा, कलेशहाय नमः स्वाहा, ओम कलुसार्थि विनाशिने नमः स्वाहा, ओम कली पुष्पाय नमः स्वाहा, कलादानाय नमः स्वाहा, ओम कश्यप्ये नमः स्वाहा, ओम कश्यपार्चिताय नमः स्वाहा, ओम कश्यपाय नमः स्वाहा, ओम कश्यपाराध्याय नमः स्वाहा, ओम कलिपूर्ण कलिभराय नमः स्वाहा, ओम कलिवरकरे नमः स्वाहा, ओम कांचे नमः स्वाहा, ओम कवर्गाय नमः स्वाहा, ओम कराल काय नमः स्वाहा, ओम कराल भैरवराध्ये नमः स्वाहा, ओम कराल भैरवेश्वरे नमः स्वाहा, ओम करलाय नमः स्वाहा, ओम कलना धाराय नमः स्वाहा, ओम कपरदीश वरप्रदाय नमः स्वाहा, ओम कपरदीश प्रेमरताय नमः स्वाहा, ओम कपरदि मालिकाय नमः स्वाहा, ओम कपरदि जप मालाढयाय नमः स्वाहा, ओम कर वीर प्रश्वनदाय नमः स्वाहा, ओम कर वीर प्रिय प्राणाय नमः स्वाहा, ओम कर वीर प्रपूजिताय नमः स्वाहा, ओम कणिकार क्षमाकाराय नमः स्वाहा, ओम कणिकार प्रपूजिताय नमः स्वाहा, ओम करिषाग्नि स्थिताय नमः स्वाहा, ओम कर्षाय नमः स्वाहा, ओम कर्ष मात्र शुभनदाय नमः स्वाहा, ओम कलशाय नमः स्वाहा, ओम कलशाराध्याय नमः स्वाहा, ओम कलश ओम कसाय नमः स्वाहा, ओम करिगानंदाय नमः स्वाहा, ओम कपिलाय नमः स्वाहा, ओम कलकंठाय नमः स्वाहा, ओम कलिकल्पलताय नमः स्वाहा, ओम कल्पमात्रे नमः स्वाहा, ओम कल्पलताय नमः स्वाहा, ओम कल्पकारे नमः स्वाहा, कल्पभूमि नमः स्वाहा, ओम कर्पूरामोदरुचिराय नमः स्वाहा, ओम कर्पूरामोदधारिणे नमः स्वाहा, ओम कर्पूरमाला धरणाय नमः स्वाहा, ओम कर्पूरवाशप्रतिदाय नमः स्वाहा, ओम कर्पूरमाला जयदाय नमः स्वाहा, ओम कर्पूरणामध्यगाय नमः स्वाहा, ओम कर्पूरतर्पणरताय नमः स्वाहा, ओम कटकाम्बरधारिणे नमः स्वाहा, ओम कपटेश्वर शंकुजि जय नमः स्वाहा, ओम कपटेश्वर रूपिणे नमः स्वाहा, ओम कट्टे नमः स्वाहा, ओम कविध्वज ओम कविध्वज राध्याय नमः स्वाहा, ओम कलाप पुष्प रूपिणे नमः स्वाहा, ओम कलाप पुष्प रुचिराय नमः स्वाहा, ओम कलाप पुष्प पूजिताय नमः स्वाहा, ओम क्रकचाय नमः स्वाहा, ओम क्रकचाराध्याय नमः स्वाहा, ओम कथम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम करालाताय नमः स्वाहा, ओम कथंकार विनिर्मुक्ताय नमः स्वाहा, ओम काले नमः स्वाहा, कालक्रियाय नमः स्वाहा, ओम करत्वय नमः स्वाहा, ओम कामिन्ये नमः स्वाहा, ओम कामिनी पूज्याय नमः स्वाहा, ओम कामिनी पुष्पधारिणे नमः स्वाहा, ओम कामिनी पुष्पनिलयाय नमः स्वाहा, ओम कामिनी पुष्प पूर्णिमाय नमः स्वाहा, ओम कामिनी पुष्प पूजाहारे नमः स्वाहा, कामिनी पुष्प भूषणाय नमः स्वाहा, ओम कामिनी पुष्प तिलकाय नमः स्वाहा, कामिनी तुन कुंड चुम्बनाय नमः स्वाहा, ओम कामिनी योग संतुष्टाय नमः स्वाहा, कामिनी योग भोगदाय नमः स्वाहा, कामिनी कुंड समग्राय नमः स्वाहा, ओम कामिनी कुंड मध्यगाय नमः स्वाहा, ओम कामिनी शारद्धेय नमः स्वाहा, ओम कामिनी मान तोषिताय नमः स्वाहा, कामिनी मान संसाराय नमः स्वाहा, ओम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम कालकालिकाय नमः स्वाहा, ओम कामाय नमः स्वाहा, ओम कामदेव्ये नमः स्वाहा, ओम कामेश्वरे नमः स्वाहा, काम संभवाय नमः स्वाहा, काम भावाय नमः स्वाहा, कामरताय नमः स्वाहा, कामरताय नमः स्वाहा, काम मंजरे नमः स्वाहा, काम मंजीर रणिताय नमः स्वाहा, कामदेव प्रियंतराय नमः स्वाहा, काम काले नमः स्वाहा, काम कलाय नमः स्वाहा, ओम कालिकाय नमः स्वाहा, कमलार्चिताय नमः स्वाहा, ओम कादिकाय नमः स्वाहा, ओम कमलाय नमः स्वाहा, ओम काले नमः स्वाहा, ओम कालानल क्षमप्रभाय नमः स्वाहा, ओम कल्पांत दहनाय नमः स्वाहा, ओम कांताय नमः स्वाहा, ओम कांतार प्रियवाशिने नमः स्वाहा, ओम कालपूज्याय नमः स्वाहा, कालरताय नमः स्वाहा, ओम कालमात्रे नमः स्वाहा, कालिन्ये नमः स्वाहा, कालबीराय नमः स्वाहा, ओम कालघोराय नमः स्वाहा, ओम कालसिद्धाय नमः स्वाहा, ओम कालदाय नमः स्वाहा, ओम कालांजन क्षमाकाराय नमः स्वाहा, ओम कालांजन निवासिने नमः स्वाहा, ओम कालरुद्धे नमः स्वाहा, ओम कालबृद्धे नमः स्वाहा, ओम काराग्रह विमोचिने नमः स्वाहा, ओम कादि विद्याय नमः स्वाहा, ओम कादि मात्रे नमः स्वाहा, ओम कादि स्थाय नमः स्वाहा, ओम कादि सुंदरे नमः स्वाहा, ओम काश्ये नमः स्वाहा, ओम कांचे नमः स्वाहा, ओम कांचिसाय नमः स्वाहा, ओम काशीस वरदायिने नमः स्वाहा, ओम क्रीमबीजाय नमः स्वाहा, ओम क्रीमबीजा हृदयाय नमः स्वाहा, ओम काम्याय नमः स्वाहा, ओम काम्यगते नमः स्वाहा, काम्यसिद्धिदात्रे नमः स्वाहा,
ओम काम भुवि नम स्व ओम कामख्याय नम स्व ओम काम रूपाय नम स्व ओम काम चाप विमोचिन्ने नम स्व ओम काम देव कला रामाय नम स्व ओम काम देव कला लयाय नम स्व ओम काम रात्रे नम स्व ओम काम दात्रे नम स्व ओम कांतारा चलवासिन्ने नम स्व ओम काम रूपाय नम स्व ओम काम गत्ये नम स्व ओम काम योग परायणाय नम स्व काम संवर्धनरताय नम स्व ओम काम गेह विकासिन्ने नम स्व ओम काल भैरव भार्याय नम स्व ओम काल भैरव कामिन्ने नम स्व ओम काल भैरव योग्यस्ताय नम स्व ओम काल भैरव भोगदाय नम स्व ओम काम धन्मय नम स्व ओम काम धोग्धय नम स्व ओम काम मत्र नम स्व ओम काम काय नम स्व ओम काम काय नम स्व ओम काम करा दयाय नम स्व ओम काम कानंद भर धन्य नम स्व ओम कार्तिक प्रिया ओम कार्तिकेयाय नम स्व ओम कार्तिकेय प्रपूजिताय नम स्व ओम कार्याय नम स्व कारणदाय नम स्व ओम कार्यकारिण्य नम स्व ओम कारणांतराय नम स्व ओम कांति गम्याय नम स्व ओम कांतिमय नम स्व कात्याय नम स्व ओम कात्यायने नम स्व ओम काये नम स्व ओम काम साराय नम स्व ओम काश्मीराय नम स्व काश्मीरा सार तत्पराय नम स्व ओम काम रूप चारताय नम स्व ओम काम रूप प्रेमदाय नम स्व ओम काम रूप चार सिद्धय नम स्व ओम काम रूप मनोमत्ते नम स्व ओम कार्तिके नम स्व ओम कार्तिकार दयाय नम स्व ओम कांचना प्रसून भुवि नम स्व ओम कांचरनार प्रसुना भाय नम स्व ओम कांचरना प्रपूजिताय नम स्व कांच रूपाय नम स्व ओम कांच भूमे नम स्व ओम कास्य पात्र प्रभोजिन्ने नम स्व ओम कास्य ध्वनिमये नम स्व ओम काम सुंदरे नम स्व ओम काम चुम्बनाय नम स्व ओम कास पुष्प प्रतीकाशाय नम स्व ओम काम द्रुम समागमाय नम स्व ओम काम पुष्पाय नम स्व ओम काम भूमे नम स्व काम पूज्याय नम स्व ओम कामदाय नम स्व काम देहाय नम स्व ओम काम गेहाय नम स्व ओम काम बीज परायणाय नम स्व ओम काम ध्वज समारूढ़ाय नम स्व ओम काम ध्वज समाय स्थिताय नम स्व ओम कश्यप नम स्व ओम कश्यपराध्याय नम स्व कश्यप नंददाय नम स्व ओम कालिंदी जल संकसाय नम स्व कालिंदी जल पूजिताय नम स्व कादेव पूजा निरताय नम स्व कादेव परमार्थदाय नम स्व ओम कर्मणाय नम स्व ओम कर्मणाकाराय नम स्व ओम काम कर्मणाकारिण्ये नम स्व ओम कर्मण त्रोटन करे नम स्व काकिन्ये नम स्व ओम कर्णाहनाय नम स्व काव्यामृताय नम स्व ओम कालिंगाय नम स्व ओम कालिंग मदनो दत्ताय नम स्वाह ओम काला गुरु विभूषणाय नम स्व ओम काला गुरु विविधताय नम स्वाह काला गुरु सुगंधाय नम स्व ओम काला गुरु प्रतर्पणाय नम स्व ओम कावेरी नीर संप्रीताय नम स्व कावेरी तीरवासिन्ये नम स्व काल चक्र भ्रमाकराय नम स्व ओम काल चक्र निवासिन्ये नम स्व ओम काननाय नम स्व ओम काननाधाराय नम स्व ओम काव्ये नम स्व ओम कारुणिकामये नम स्व ओम कौंपल्यवासिन्ये नम स्व काष्ठाय नम स्व ओम कामपत्ने नम स्व ओम कामभूमे नम स्व ओम कादंबरी पानरताय नम स्व ओम कादंबरे नम स्व ओम कलाय नम स्व ओम कामवंदाय नम स्व ओम कामेश्वरे नम स्व ओम कामराज प्रपूजिताय नम स्व काम राजेश्वरी विद्याय नम स्व ओम काम कौतुक सुंदरे नम स्व ओम काब्जोजाय नम स्व ओम कांचिनदाय नम स्व ओम कास्य कांचन कारिण्ये नम स्व ओम कांचनादि समकाराय नम स्व ओम कांचनादि प्रदानदाय नम स्व ओम कामकृते नम स्व ओम कामकेश्य नम स्व ओम कारिकाय नम स्व ओम कांताराश्रयाय नम स्व ओम काम भेद्ये नम स्व ओम कामार्तिनाशिन्ये नम स्व ओम काम भूमिकाय नम स्व ओम काल निनाशिन्ये नम स्व ओम काव्य वनिदाय नम स्व ओम काम रूपिण्ये नम स्व ओम कायस्थ काम संदिप्ताय नम स्व ओम काव्य दाय नम स्व ओम काल सुंदरे नम स्व ओम ओम कामेश्वरे नम स्व ओम कर्णवराय नम स्व ओम कामेशी पूजनोदताय नम स्व ओम कांचीनूपुर भूषणाय नम स्व ओम कुंकाम्भरणमिताय नम स्व ओम कालचक्राय नम स्व कालगत्ते नम स्व ओम कालचक्र मनोभवाय नम स्व ओम कुंदमध्याय नम स्व ओम कुंदपुष्पाय नम स्व ओम कुंदपुष्प प्रियाय नम स्व कुजाय नम स्व ओम कुजमात्रे नम स्व कुजराधयाय नम स्व ओम कुटारवरधारिण्ये नम स्व कुंजर इष्टाय नम स्व कुशरताय नम स्व ओम कुशेशय बिलोचनाय नम स्व कुनठय नम स्व कुरय नम स्व क्रुधाय नम स्व कुरंगे नम स्व कुटजाश्रयाय नम स्व कुंभनास विभूषाय नम स्व कुंभनास बदोदताय नम स्व कुंभकर्ण मनोलासाय नम स्व कुलचूणामण्ये नम स्व कुलाय नम स्व कुलाल गृहकन्याय नम स्व कुलम चूणामणि प्रियाय नम स्व कुलपूज्याय नम स्व कुलाराध्याय नम स्व कुलपूजा परायणाय नम स्व ओम कुलभूषाय नम स्व कुक्षे नम स्व कुलरिगण सेविताय नम स्व ओम कुलपुष्पाय नम स्व कुलरताय नम स्व ओम कुलपुष्प परायणाय नम स्व ओम कुलवस्त्राय नम स्व कुलराध्याय नम स्व कुलकुंड शम प्रभाय नम स्व कुलकुंड समोल्लासाय नम स्व ओम कुंड पुष्प परायणाय नम स्व ओम कुंड पुष्प प्रसन्नाशयाय नम स्व ओम कुंड गोलो द्रवात्मिकाय नम स्व ओम कुंड गोलो द्रवाधाराय नम स्व ओम कुंड गोलमय नम स्व कुहय नम स्व ओम कुंड गोल प्रिय प्राणाय नम स्व ओम
कुंड गोल प्रपूजिताय नमः स्वाहा कुंड गोल मनुलासाय नमः स्वाहा कुंड गोल प्रप्रदाय नमः स्वाहा कुंड देवरताय नमः स्वाहा कुंडदाय नमः स्वाहा कुल सिद्धि करा पराय नमः स्वाहा कुल कुंड क्षमाकाराय नमः स्वाहा ओम कुल कुंड समान भूवे नमः स्वाहा कुल ओम कुंड सिद्धे नमः स्वाहा ओम कुंड हृदय नमः स्वाहा कुमारी पूजन दत्ताय नमः स्वाहा कुमारी पूजक प्राणाय नमः स्वाहा कुमारी पूजक कालाय नमः स्वाहा कुमाय कुमारे नमः स्वाहा काम संतुष्टाय नमः स्वाहा ओम कुमारी पूजन उत्सुकाय नमः स्वाहा ओम कुमारी भर्त संतुष्टाय नमः स्वाहा ओम कुमारी रूप धारिणे नमः स्वाहा कुमारी भोजन प्रीताय नमः स्वाहा ओम कुमारे नमः स्वाहा कुमार दाय नमः स्वाहा कुमार मात्र नमः स्वाहा ओम कुलदाय नमः स्वाहा कुलेन्ने नमः स्वाहा कुलेश्वरे नमः स्वाहा कुलिंगाय नम स्वाहा कुलानंदाय नम स्वाहा ओम कुल रम्याय नम स्वाम कुत करधीर्ष्य नम स्वाम कुंत नम स्वाहा कुलकंताय नम स्वाहा ओम कुल मार्ग परायणाय नम स्वाम कुल्लाय नम स्वाम कुल कुल्लाय नम स्वाहा ओम कुल काय नम स्वाहा कुल कामृदाय नम स्वाम कुल शंगाय नम स्वाम कुब्जिकाय नम स्वाहा ओम कुब्जिकानंद वरदिने नम स्वाम कुलिनाय नम स्वाहा ओम कुंज रगत्ते नम स्वाहा कुंजरेश्वर गामिने नम स्वाहा कुलपाल्ये नम स्वाहा कुलवत्ते नम स्वाहा कुल दीपिकाय नम स्वाहा कुल योगेश्वर नम स्वाहा कुंडाय नम स्वाहा कुंकुम ऋण विग्रहाय नम स्वाहा कुंकुमानंद संतो साय नम स्वाहा कुंकाण भवासिने नम स्वाहा कुसुमाय नम स्वाहा कुसुम प्रीताय नम स्वाहा कुल भोगे नम स्वाहा कुल सुंदरे नम स्वाहा कुमु दत्ते नम स्वाहा कुमुदिने नम स्वाहा कुशलाय नम स्वाहा ओम कुलटालय नम स्वाहा कुलटालय मध्यस्थाय नम स्वाहा कुलटा संगतोस्ताय नम स्वाहा कुलटा भव नो दुताय नम स्वाहा कुसा परताय नम स्वाहा कुलण बाय नम स्वाहा कुलण पाचार रताय नम स्वाहा कुंडय नम स्वाहा कुंडला कृत्य नम स्वाहा ओम कुमते नम स्वाहा ओम कुल श्रेष्ठाय नम स्वाहा कुल चक्र परायणाय नम स्वाहा कुटस्थाय नम स्वाहा कुटदृष्टे नम स्वाहा कुंतलाय नम स्वाहा कुंतलाकृत्य नम स्वाहा कुशलाकृति रूपाय नम स्वाहा कुरुच बीज धराय नम स्वाहा कै नम स्वाहा कुम 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 शब्दरताय नम स्वाहा कुम 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 परायणाय नम स्वाहा कुम 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 शब्द निलयाय नम स्वाहा कुंकुमारलय वासिने नम स्वाहा कुंकुमार शंग संयुक्ताय नम स्वाहा कुंकुमानंत विग्रहाय नम स्वाहा कुर्चरंबाय नम स्वाहा कुर्च बीजाय नम स्वाहा कुर्च जाप परायणाय नम स्वाहा कुलिन्ने नम स्वाहा कुल संस्थानाय नम स्वाहा कुर्च कंठ परागत्ते नम स्व ओम कुर्च वीणा भालदेशाय नम स्व ओम कुर्च मस्तक भूषिताय नम स्व ओम कुल भक्षगताय नम स्व ओम कुर्माय नम स्व ओम कुर्मा चल निवासिने नम स्व ओम कुल बृंदे नम स्व ओम कुल शिवाय नम स्व ओम कुल शक्ति पराणाय नम स्व कुल बिंदु मणि प्रख्याय नम स्व ओम कुंकुम द्रुम वासिने नम स्व ओम कुच मरदन संतुष्टाय नम स्व ओम कुच जाप परायणाय नम स्व ओम कुच स्पर्श न संतुष्टाय नम स्व ओम कुच लिंग हर्ष दाय नम स्वाहा कु गति घनय नम स्व ओम कुबेरार्चयाय नम स्व ओम कुच भुवे नम स्व ओम कुब कुल नायिकाय नम स्व ओम कु गायनाय नम स्व ओम कुच धराय नम स्वाहा ओम कुमात्रे नम स्वाहा कुंद दंती न्याय नम स्व ओम कुगेय नम स्व कुहरा भाषाय नम स्व ओम कुगेय कुग्र दारिकाय नम स्व ओम कृते नमः स्वाहं किरातिने नमः स्वाहं किन्नरे नमः स्वाहं किन्नराय नमः स्वाहं किन्नरे नमः स्वाहं क्रियाय नमः स्वाहं क्री ओम क्रिमकाराय नमः स्वाहं क्रिम जपाशक्ताय नमः स्वाहं क्रिम हुम श्रीम मंत्ररूपिणे नमः स्वाहा किमित्रित दशापांगाय नमः स्वाहं किशोरे नमः स्वाहं किरीटिने नमः स्वाहं कीटभासाय नमः स्वाहा कीटयन्ये नमः स्वाहा कीटमात्रे नमः स्वाहा कीटदाय नमः स्वाहा किसुमगाय नमः स्वाहं कीरभासाय नमः स्वाहा क्रियासाराय नमः स्वाहा क्रियावत्ते नमः स्वाहं किम किम शब्दपराय नमः स्वाहा ओम क्रिम 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 क्लैं क्लो मंत्र रूपिणे नम स्व काम किम कुम क्लैं स्वरूपाय नम स्वाहम कह पट मंत्र स्वरूपिणे नम स्वहम केतकी भूषणानंदाय नम स्व केतकी वर्णान्विताय नम स्वहम कैकदाय नम स्वहम केसिने नम स्वहम केसी शूदन तत्पराय नम स्वहम केश रूपाय नम स्व केश मुक्ताय नम स्वहम कैकेय नम स्व कौशिक्ये नम स्वहम कैरवाय नम स्वाहा कैरबाहदाय नम स्वाहा केसराय नम स्वाहा कौतु रूपिणे नम स्वा केतु रूपिणे नम स्वा केशवा राधे हृदयाय नम स्वा केशवा शक्त मानसाय नम स्वाम ओम कलिम भय विनाशिन्नय कलिम नम स्वाहा ओम कलिम बीज जपतोषिताय नम स्वम कौशल्याय नम स्वम कौशलाक्षाय नम स्व कुशाय नम स्व कोमलाय नम स्व कोलापुर निवासिने नम स्वम कलासुर विनाशिने नम स्व कोटि रूपाय नम स्व कोटि रताय नम स्व क्रोधिन्ने नम स्व क्रोध रूपिन्ने नम स्व ओम केकाय नम स्व ओम कोकिलाय नम स्व ओम कोटय नम स्व कोटि मंत्र परायणाय नम स्व कोटि यंत्र मंत्रयुताय नम स्व ओम के ओम कई रूपाय नम स्व ओम केरलाश्रय नम स्व ओम केरलाचार निपुणाय नम स्व ओम केरलेन्द्र देश स्थिताय नम स्व ओम केदार
सारा श्रम संस्थाय नम स्व केदारेश्वर पूजिताय नम स्व क्रोध रूपाय नम स्व ओम क्रोध पदाय नम स्व ओम क्रोध मात्रे नम स्व ओम कौशिन्य नम स्व कोदंड धारिणे नम स्व क्रौंचाय नम स्व ओम कौशल्याय नम स्व ओम कौल मार्गाय नम स्व ओम कौलिन्य नम स्व ओम कौलिकाराध्याय नम स्व ओम कौलिकागार वासिन्य नम स्व ओम कौतिकाय नम स्व ओम कौमुद्ये नम स्व ओम कौलाय नम स्व कौमारे नम स्व ओम कौरवार्चिताय नम स्व ओम कौंडिन्याय नम स्व ओम कौशिन्य नम स्व ओम क्रोध ज्वाल भा सूर रूपिण नम स्वाम कोटि कालन जल ज्वालाय नम स्वाम ओम कोटि कालन ज्वालाय नम स्वाम कोटि मर्तंड दिग्राय नम स्व ओम कृतिकाय नम स्वाम कृष्णवराय नम स्व ओम कृष्णाय नम स्व कृत्याय नम स्वाम क्रियातुराय नम स्व ओम कृषांगे नम स्व ओम कृत कृत्याय नम स्व ओम क्रह पट स्वाह सुरपिण नम स्व क्रम क्रम हुम फट मंत्रवर्णाय नम स्व ओम क्रीं ह्रीं ह्रुम फट मम शोधाय नम स्वाहा ओम क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं तथा ह्रुम ह्रुम फट स्वाहा मंत्र रूपिणे नम स्व ओम क्रीं कास्तिकालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं कास्तिकालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं कास्तिकालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं दक्षिणकालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं भद्रकालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं कानपुरकालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं गोरखकालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं बिंदवासिने नम स्वाहा ओम क्रीं बिंदवासिने नम स्वाहा ओम क्रीं शमशानकालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं बागलुंगकालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं मौलाकालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं बासवनिकालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं मांद्रढुंग कालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं मनकांक्षदेभ्ये नम स्वाहा ओम क्रीं बुढ़िकालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं भद्रकालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं खड्गकालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं रिठाझाक्रे नम स्वाहा ओम क्रीं मालाझाक्रे नम स्वाहा ओम क्रीं बालाभैरेभ्ये नम स्वाहा ओम क्रीं आयरेभ्यो नम स्वाहा ओम क्रीं सिद्धगुरुभ्यो नम स्वाहा ओम क्रीं रेणुकीगुरुभ्यो नम स्वाहा ओम क्रीं शैतिनागदत्ताभ्यो नम स्वाहा ओम क्रीं वाष्वकी कालिकानागदत्ताभ्यो नम स्वाहा ओम क्रीं बुढ़िकालिकाय नम स्वाहा ओम भद्रकालिकाय नम स्वाहा ओम खड्गकालिकाय नम स्वाहा ओम क्रीं त्रिशूलाय नम स्वाहा ओम क्रीं त्रिशूलाय नम स्वाहा ओम क्रीं त्रिशूलाय नम स्वाहा ओम क्रीं अपराजिताय नम स्वाहा ओम क्रीं अपराजिताय नम स्वाहा ओम क्रीं अपराजिताय नम स्वाहा ओम सिद्धे गुरुभ्यो नम स्वाहा ओम भूमे देवताभ्यो नम स्वाहा ओम क्रीं भूमे देवताभ्यो नम स्वाहा ओम क्रीं काल भैरवेभ्यो नम स्वाहा ओम क्रीं काल भैरवेभ्यो नम स्वाहा ओम क्रीं काल भैरवेभ्यो नम स्वाहा ओम कुल देवताय नम स्वाहा ओम कुल देवताय नम स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नम स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नम स्वाहा ओम पितृ देवताभ्यो नम स्वाहा ओम पितृ देवताभ्यो नम स्वाहा ओम पितृ देवताभ्यो नम स्वाहा ओम नाग देवताभ्यो नम स्वाहा ओम नाग देवताभ्यो नम स्वाहा ओम नाग देवताभ्यो नम स्वाहा ओम वास्तु 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 देवताभ्यो नम स्वाहा ओम स्थान 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 देवताभ्यो नम स्वाहा ओम गुरु कृष्ण नामाभ्यो 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 नम स्वाहा ओम गुरु पितामणि रामेभ्यो नम स्वाहा ओम गुरु पितामणि रामेभ्यो नम स्वाहा ओम गुरु पितामणि रामेभ्यो नम स्वाहा ओम क्रीं कैलाजी झाकरे गुरुभ्यो नम स्वाहा ओम कैलाजी झाकरे गुरुभ्यो नम स्वाहा कायला जीजू झाकरे गुरुभ्यो नम स्वाहा ओम दाजु गंगे मूलमान गुरुभ्यो नम स्वाहा ओम दाजु गंगे मूलमान गुरुभ्यो नम स्वाहा ओम दाजु गंगे मूलमान गुरुभ्यो नम स्वाहा शंखेभिरिभ्यो नम स्वाहा ओम शंखेभिरिभ्यो नम स्वाहा ओम शंखेभिरिभ्यो नम स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नम स्वाहा ओम पितृ देवताभ्यो नम स्वाहा ओम बारभैमष्ट गुरुभ्यो नम स्वाहा बारभैमष्ट गुरुभ्यो नम स्वाहा मष्ट देवताभ्यो नम स्वाहा ओम अष्ट देवताभ्यो नम स्वाहा मष्ट देवताभ्यो नम स्वाहा ओम नव दुर्गाभ्यो 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 नम स्वाहा दस महाविद्याभ्यो नम स्वाहा ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 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 नम स्वाहा ओम दुर्गाय नम स्वाहा ओम दुर्गाय नम स्वाहा ओम दुर्गाय नम स्वाहा ओम शिवाय 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 नम स्वाहा ओम श्रम 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 फट
ऐं ह्रीं ज्वल ज्वल प्रज्वल ह्रीं ह्रीं क्लीं श्रावय श्रावय वसिष्ठ गौतम विश्वमित्र दक्ष प्रजापति ब्रह्मर्षि सर्वेश्वरी कारुण्य श्री दुर्गा देवत गायत्र शापानुग्रह कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हुम दुर्गाय सर्वेश्वरी कारिण्य ब्रह्म साप विमुक्तम भव स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हुम दुर्गाय सर्वेश्वरी कारिण्य ब्रह्म साप विमुक्त भव स्वाहा। ओम क्लीं ह्रीं ओम नमः शिवाय आनंद कवच रूपिण्य ब्रह्म साप विमुक्त भव स्वाहा। ओम क्लीं ह्रीं ओम नमः शिवाय आनंद कवच रूपिण्य ब्रह्म साप विमुक्त भव स्वाहा। ओम काल्ये काली ह्रीं फट स्वाहाय ऋग्वेद रूपिण्य ब्रह्म साप विमुक्त भव स्वाहा। ओम काल्ये काली ह्रीं फट स्वाहाय ऋग्वेद रूपिण्य ब्रह्म साप विमुक्त भव स्वाहा। सापम नाशय नाशय हुम फट स्वाहा। सापम नाशय नाशय हुम फट स्वाहा। सापम नाशय नाशय हुम फट स्वाहा। ह्रीं श्रीं श्रीं जुम सह आदय स्वाहा। श्रीं 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 जुम सह आदय स्वाहा। श्रीं 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 जुम सह आदय स्वाहा। ओम सलम हुम क्लीं ग्लौं जुम सह ज्वलो ज्वल मंत्र प्रबल हम समलम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपाय नमस्ते मद मरदिनी नमः कैटवहारी च नमस्ते महिषादिनी नमस्ते शुंभहंद्रे च निशुमासुर घातिनी नमस्ते जागृते देवी जपम शुद्धम कुरुष्मे। ओम ओंकार श्रुति रूपाय ओंकार प्रतिपालिका क्लम कार्य काम रूपेण बीज रूपे नमस्ते चामुंड चंड गति चयिकारी वरदायिनी बीच सावेद नित्यम नमस्ते मंत्र रूपेण। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हंस सोहम अम ब्रह्म ग्रंथि भेदे भेदे मीं विष्णु ग्रंथि भेदे भेदे ओम ओम रुद्र ग्रंथि भेदे भेदे ओम क्रीम आम क्रीम ईं क्रीम ईं ओम 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 ह्रीं 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 दम लिम छिम लिम डम यम कम ऐं लिम ओम क्रीम ओम क्रीम आम क्रीम आह क्रीम आम हुम आम हुम ईं ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सम हुम हम यम हुम रम हुम लम मम बम हम सम घम सम लम सम परम सम हम पलम दम छम प्रम यम शिम रम दम लम ह्रीं ओम ह्रीं सम 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 हम सम हम लम छम स्वाहा। महाकाल भैरवी महाकाल रूपिणी क्रीम अनिरुद्र सौरषित ओम ब्रह्मग्रह बंदिनी विष्णुग्रह बंदिनी रुद्रग्रह बंदिनी गोचर ग्रह बंदिनी आदिवेदी ग्रह बंदिनी सर्वदुष्ट ग्रह बंदिनी सर्वदानव ग्रह बंदिनी सर्वदेवता ग्रह बंदिनी सर्वगोत्र देवता ग्रह बंदिनी सर्वग्रह उपग्रह बंदिनी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम क्रीं हम मम पुत्रं रक्ष रक्ष मम उपरि दुष्ट बुद्धिं दुष्ट प्रयोगं कुर्वन्ति कारयन्ति करिष्यन्ति तान् हन हन मम मन्त्र सिद्धिं कुरु कुरु मम दुष्टं विदारय विदारय दारिद्र्यं हन हन पापम मथ मथ आरोग्यम कुरु कुरु आत्मतत्त्वं देहि देहि हंस सोम क्रीं क्रीं हुम हुम ह्रीं ह्रीं स्वाहा। नवकोटि स्वरूपे आदे आदि आदे अनिरुद्ध स्वरूपे स्वात्म चैतन्यं देहि देहि मम हृदय तृष्ट तृष्ट मम मनोरथम कुरु कुरु स्वाहा। नम दिम दुम दुर्जरे पत्नी बम बिम भागेश्वरी तथा क्रम 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 कुंजिका देवी सम सिम सुम में शुभम करु हम 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 कार्य रूपाय जम जम जिम जम भालना देनी ब्रह्म 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 भैरव भद्रे बाबा ने ते नमो नमः। ओम ओम कम तम 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 पम शम सम विदुरम विदुरम विमर्द विमर्द रिम छम छिम छिम जीव है जीव है तोट है तोट है जम भय दीप है दीप है मोच है मोच है ओम फट जम ओ सट ऐं ह्रीं क्लीं रंजय रंजय संजय संजय गुंजय गुंजय बंदे बंदे ब्रह्म 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 भैरवि भद्रे संकोच संकोच संचल संचल त्रोटय त्रोटय मिलिन स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्ण खम किं कुं फेसरी तथा नम लिम नु मूल विस्तीर्ण कुंजिकाय नमो नमः स्वाहा। सं सिं सुं सप्त सति देव्य मंत्र सिद्धिं पुरुष्व मे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच ओम ह्रीं क्लीं जिं सा ज्वाला ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच ओम ह्रीं क्लीं जिं सा ज्वाला ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। हम ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच ओम ह्रीं क्लीं जिं सा ज्वाला ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ओम क्रीं महाकालाय नमः स्वाहा। ओम क्रीं काल भैरवाय नमः स्वाहा। ओम उन्मत्त भैरवाय नमः स्वाहा। ओम गुरु गोरक्षनाथाय 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 नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा। ओम पितृदेवताय नमः स्वाहा। ओम पितृदेवताय नमः स्वाहा। ओम पितृदेवताय नमः स्वाहा। आप कल्पना करें कि पूरे के पूरे शरीर है
शरीर के अंदर जितने भी पितृ देवता है वो सारे के सारे इसी हवन की अग्नि से, ये पांच कुंड, इस पांच कुंड की अग्नि से उनके अंदर का जितने भी कर्म है ये पूरे के पूरे अग्नि में और जल के ध्वस्त हो रहा है। जितने भी आपके कुल देवता है, जितने भी पितृ देवता है, ऑल ऑफ योर एंसेस्टर, उनके जितने भी कर्म है इन्हीं चार अग्नियों में ध्वस्त होते हुए वो खत्म हो रहे हैं। Now, join both of our hands. और उस अग्नि को शरीर के अंदर पूरी की पूरी शरीर तक लेके आए। और गुरु गोरखनाथ से, देवी कास्की कलिका से, गुरु कृष्ण लामा से, गुरु पिता मणिराम दास गंगे मुलमन जीसस एंक्रिस से प्रार्थना करें कि हे गुरु, आपकी कृपा, आपकी दृष्टि से हमारे पितृ देवता ने जो भी पाप कर्म जो भी किया है, आप उन पाप को आप नष्ट कर दें। कल्पना करें कि उनकी कृपा आशीर्वाद आपको मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। देवी कास्की कालिका इज वेरी हैप्पी विथ यू। गुरु गोरखनाथ की कृपा आपको मिल रही है। और कल्पना करें कि आपके शरीर के अंदर जितने भी पितृ हैं, ऑल ऑफ योर एंसेस्टर, दे आर वेरी लाइट, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर ब्लेसिंग यू। Now, rub both of our hands. Create a fire in hand and put this in your eyes and your forehead. Looking at your palms slowly. आई होप कि इस क्रिया से प्योर लाइफ ब्लॉकेज में, आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाएगा विद द ब्लेसिंग ऑफ गुरु कृष्ण लामा, विद द ब्लेसिंग ऑफ गुरु गोरखनाथ, द ब्लेसिंग ऑफ माँ देवी कास्की कालिका। सो इफ एनीवन वांटेड टू शेयर एनीथिंग, अगर जो आपको अनुभूति हुई है आप कर सकते हो। पानी वगैरह पी सकते हो, पी लेना, पानी पी लेना, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी हुई हो। हाँ सर,
जय गुरु गोरखनाथ काशीवारी। मूलाधार चक्र में बहुत तेज गर्मी है, एकदम ऐसा पूरा शरीर वो एयर पोर्शन पूरा जल रहा है और नीचे पैरों में भी इतना बहुत तेज एकदम गर्म है जो एकदम अग्नि जैसा, जैसे अग्नि के ऊपर बैठ गए हो अपन, पूरा इस तरीके से पूरा अभी भी अनुभव हो रहा है। और ऊपर पूरा शरीर हल्का है। अच्छी चीज है सर, देख लीजिएगा हमारे लाइफ के जितने भी ब्लॉकेज होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर नहीं होते, ब्लॉकेज नीचे होते हैं, ठीक है ना, बट हमें ऊपर सिखाया जाता है, ठीक है, क्लियर है ना। वीडियो ऑन कर लीजिएगा, इफ इफ समवन हैज टू शेयर समथिंग, वीडियो ऑफ होगा तो सो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। जी नहीं, जी बिल्कुल, हाँ मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ आवाज आई बीच में, मैं समझ नहीं पाई किसकी आवाज थी, जो हम मेडिटेशन कर रहे थे बहुत डीप चली गई थी ना, तो इससे अभी भी बात भी नहीं हो रही, और मुझे कुछ ऐसी आवाज सुनाई भी दी आवाज, और किसी जेंट्स की भी आवाज थी, मुझे समझ नहीं कर पाई प्रॉपर, और आग तो वैसे भी बहुत निकल रही, जैसे हमारे तो हाथों में से भी बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि हो रहा है, और मेरी अभी स्थिति नहीं है कि मैं बोल नहीं पा रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये कहती हूँ मेरे पता नहीं कई जन्मों के कर्म होंगे कि आप मुझे मिले, मैं आपका आभार उतार के नहीं, पता नहीं मेरा क्या संबंध, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आपके लिए धन्यवाद हो रहा है, मैं धन्य हो गई हूँ, मैं धन्य हूँ आपको पाकर, मेरा सौभाग्य, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, बस अर्पण ऐसे लग रहा है जैसे आपकी चरणों में उसका है। थैंक यू सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए, जो आपने हमें ये सब शेयर किया उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और दूसरी बात जब आप ये मंत्र चैंटिंग कर रहे थे मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे बहुत कुछ दिख रहा था इस तरीके से, और मुझे सिर के ऊपर से अपने भार कुछ इस तरह से हल्का होता हुआ नजर आया, मतलब इतना हल्का महसूस कर रही हूँ मैं इस वक्त कि मुझे पहले कुछ चीजें से खींच रही थी, मुझे अपने गले में भी महसूस हुआ था, अपने हेड पे भी महसूस हुआ था, वो अब बिल्कुल जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज का मेरा एक्सपीरियंस बहुत लकीएस्ट रहा है। राइट, और सर मेरा भी एक और एक्सपीरियंस है। हाँ जी बोलिए। सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे गले में किसी ने फिंगर डाल दिया, एक लेडी ने, मगर माँ खसीकाली ने अपनी फायर से ही उसे पिघला कर गिरा दिया और मैं फ्री हो गया उसी टाइम। वेरी नाइस, रियल है आपको जो अनुभूति तांत्रिक क्रिया हुआ था उसका भी प्रस्थान अनुमित कर। हाँ जी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप जैसे गुरु को पाके धन्य हो गई हूँ, मुझे सच्ची में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे आप जैसा गुरु मिला, और मैं इस लाइन में अध्यात्म की तरफ भी पढ़ी, बहुत 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 धन्यवाद। सौभाग्य आपकी है, सौभाग्य मेरी है, राइट। माँ कास्की काली का और गुरु गोरखनाथ और मेरे गुरु कृष्णामा आप लोगों को समय हमेशा ब्लेसिंग दे, मैं यही कामना करता हूँ। थैंक यू सर। सर मुझे कुछ डिफरेंट सा हुआ कि मैंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे थे जो मुझे आंख बंद करते साथ, मैंने इतने अजीब अजीब लोग देखे हैं और बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे जेंट्स,
वो कहाँ है कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन सर एक ही हुआ कि मेरे जो शोल्डर्स हैं दोनों और हार्ट चक्र बैक पे है इसमें बहुत ज्यादा ना पेन हो रहा है, बाकी तो सारे चक्र एकदम से बिल्कुल रिलैक्स हो गए, लेकिन अब बस सिर्फ यही जो एक है ना पोर्शन ये बहुत पेन कर रहा है, और बाकी इतने सारे लोग मेरे अंदर समाये बैठे हो तो मुझे पता ही नहीं था। अभी इसका मतलब है ना आपको ये आज के साधना को ना जो लिंक दिया गया है फिर आई मीन यूट्यूब में उसको फिर से करते हैं, ठीक है ना। गुड इवनिंग सर, दिस इज माय फर्स्ट टाइम दैट आई हैव जॉइंड दिस एनी ऑफ योर सेशंस, एंड मैं लेट भी हुई तो मुझे लगा पता नहीं लेट ना हो गया हो, एंड this session was very different from what I was expecting. I was expecting wo jo hamara new age meditation hota hai, visualization and karmic clearing and ancestral clearing. This was very different. And when you started and we visualized those four petals and those kunds and the moment wo jo first jab wo agni prajwalit hui maa kalika wali jo bade kund mein, immediately my energy was just up and I was just feeling the heat here, it was as if you know started flowing. Uske baad kai cheeze aisa tha, kai baar aisa tha ki I was blank. Aap bol rahe the, aap swaha kar rahe the, you said ki ahuti dena, to itna ho gaya tha ki I was in a trance state, I could not do anything and I just surrendered to the divine mother. I said jo aapko lena aap khud le lo, mujhe nahi pata kya ahuti deni hai, khud le lo. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, फिर मेरा जब आई केम बैक टू माई सेंसेस जब आवाज चली गई है ना, वहां की आवाज चली गई तो आई एम गिविंग अदर पर्सन। यस नमस्ते, actually I was not feeling well, मतलब दो दिन से मेरे को नहीं ठीक लग रहा था कुछ, मैं मतलब मुझे थोड़ी एनर्जीज अच्छी नहीं लग रही थी, बट when I did this तो काफी लाइट हो गई मेरी बॉडी, बट हाँ जब when I was meditating जब आप करवा रहे थे तो पूरी बॉडी बहुत ज्यादा हीट हो रही, आई वॉज लिटरली स्वेटिंग, और मतलब कोई चीजें आई जो मतलब अटैक कर रही थी, तो इट वॉज लाइक माँ काली आई है, उन्होंने ऐसे फायर भेजी है उसकी तरफ और वो वहां जाके गिर गया, मतलब पता नहीं डिसअपीयर्ड। और फिर आई सो त्रिशूल महादेव का, देन आई सो बडमरू, मतलब फिर उनका उनके भी छवि दिखी, फिर अपने पास ही माँ काली का एहसास होता रहा पूरे टाइम, लाइक इट वॉज लाइक इन मी ओनली ऐसा फील हो रहा था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, थैंक यू सो मच। हाँ जी प्रणाम सर, जय जय गोरख, जय जय काली, बहुत दिनों के बाद आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि पता नहीं क्या हो, मतलब बहुत एक स्मूथ चल रहा था जब स्टार्ट हुआ, तब बहुत हर एक चीज अच्छे से विजुअलाइज भी हो रही थी, सब दिख रहा था, फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद में सब ब्लैंक हो गया और ऐसा लगा मैं सो गई, और बॉडी बहुत देर तक जब खत्म हुआ उसके बाद भी मेरा सिर घूम रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब पता नहीं क्या हो रहा है दिमाग में, और दिमाग घूमे जा रहा है। फिर बहुत देर तक तो हैंड रेज करने का समझ ही नहीं आया कि मुझे हैंड रेज भी करना है, कुछ पता नहीं फिर काफी देर बाद मैंने हैंड रेज किया कि नहीं मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मेरा दिमाग घूम रहा था, और मुझे बहुत अभी बहुत लाइट फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए थैंक यू सर। सुरेंद्र जी नमस्ते, जय जय गोरख, जय जय कस्कीकाली, एकदम लाइफ में पहिलो पटक यस्तो अनुभव भयो, म त शरीर पूरा हिट भयो अनि बिस्तारै त्यही डीप स्लीपमै एकदम
गोरखनाथ कास्की काली त्यतै त्यतै कता कता हराए एकदम एकदम अचम्मको एकदम एस्ट्रोनाइस फिल भयो एकदम एकदम अचम्म छ अहिले लाइट भयो शरीर एकदम हिट भयो अहिले चाहिँ लाइट भइरहेछ हजुरको हजुरसँग पर्फेक्ट बोल्न पाएँ एउटा ड्रिम नै पुरा भयो जस्तो भएको छ आज सर आमाको कृपा हो है आमाको कृपा भइसकेपछि चाहिँ सबै कुरा सम्भव हुने हरेक हरेक कुराको चाहिँ एउटा समय आउँछ समय आइसकेपछि भेट पनि हुन्छ हजुर राजेश्वरजी हजुर बोले नमस्ते गुरुजी आज दोनों गुरुजी का दर्शन हुआ मेरा रामकृष्ण गुरुजी को दर्शन तुम्हारा पास ही बेटा था मुझे आशीर्वाद दिया तो गुरुजी बहुत खुश हो गुरुजी बहुत खुश हो गुरुजी बात करने की नहीं आता गुरुजी ब्लेसिंग ऑफ बहुत खुश हो गुरुजी मैं आज मेरे पास भी बोलने के लिए बहुत सारी चीज नहीं है फिर भी सो वन फ्रेंड फ्रॉम बांग्लादेश शायद आज उनका बर्थडे है ओके श्रवणी जी का सो लेट अस विश आवर हैप्पी बर्थडे टू हर राइट ओके और उनकी लाइफ में हमेशा खुशी मिलती रहे आज मेरे पास बहुत सारे शब्द नहीं है बोलने के लिए एंड जो शक्ति आप लोगों ने फील किया है सो दैट इज रियल जो पावर आपको मिला है वो रियल है और इस मेडिटेशन को मैंने लाइव कर दिया है कि सो दैट कि आप हमेशा जब कभी भी आपको लगे कि आपके कुल की आपके पितृ देवता की कहीं पे भी ब्लॉकेज हो प्लीज इस मेडिटेशन को करें या फिर आपको लगता है कि जो आपके फ्रेंड है और उनके लाइफ में कहीं पे ब्लॉकेज है प्लीज शेयर दिस मेडिटेशन टू देम उनको जरूर शेयर करें आज की मेडिटेशन सो दैट राइट ओके उनको देख लीजिए कि यहाँ पे ना एज अ पितृदोष हटाने के लिए लाखों रुपया तक चार्ज किया जाता है और उनकी जरूरत नहीं है ये मेडिटेशन अगर रेगुलरली करेंगे ना उनके जितने भी कुल है इनकी पितृ है वो वहां से तर जाएंगे बट उनको खुद से करना है उनके लिए राइट ओके रियल में चीज देने की भी जरूरत नहीं है मानसिक जो जप है मानसिक जो तो ध्यान है मानसिक जो आहुति है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है लाइफ में और राइट क्या की जो साधना है उसको जितना ज्यादा आप शेयर करते हो मान के चले जी कि मैं बहुत सारी चीज को शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बट कुछ चीज ऐसी होती है जिसको जितना ज्यादा शेयर करते आपको उतना ज्यादा पुण्य मिलता है पुण्य इसलिए मान के चले जी कि कोई बंधन में हो आपने उसको दे दिया हेल्प किया आपने ये मेडिटेशन उनको शेयर किया उन्होंने किया और उनकी कुल देवता या फिर उनके पितृ अगर वहां से फ्री हो गए वो सारे के सारे कुल देवता की सारे के सारे पितरों की आशीर्वाद मिलेगा किसको आपको मिलेगा क्योंकि आपके वजह से लोगों को मुक्ति मिलेगी नाउ थिंक अबाउट दैट तो इसलिए ना अच्छी चीज को ज्यादा शेयर करनी होती है सो दैट कि आपने कर्म बस एक कर्म किया था आपने फॉरवर्ड कर दिया आपने बोला कि मेडिटेशन एक कर लेना उसने किया उसके लाइफ चेंज हुई तो उनकी हजारों लाखों करोड़ों आत्मा की अगर थोड़ा सा परसेंट भी एक एक ड्रॉप भी अगर लाखों लोगों से आपको एक एक ड्रॉप भी मिले तो आपका पुण्य कितना होगा आपने कभी सोचा सो दैट्स व्हाई राइट ओके आज की जो है एज ए मेडिटेशन है हम सारे के सारे ग्रुप में भी डाल देंगे आज के लिंक को आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर इट क्योंकि ये आपके लिए भी है ये उनके लिए है हो सकता है कि बहुत सारे लोग पितृदोष हटाने के लिए उनके पास पैसा ना हो सकता है कि वो अच्छे लोगों को जानते ना हो बट आपका एक छोटा सा मैसेज उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है उनकी पितृ को तार सकता है और आपको भी उसके बिहा पे जो पुण्य मिलेगा आपने हजारों साल तपस्या करने पर भी दूसरों की आशीर्वाद आपको कभी भी नहीं मिलती बट ये शेयर करने से आपको हो सकता है कि वो मिले मैं गुरु गोरखनाथ देवी कास्की काली का और मेरे गुरु कृष्ण लामा
आपकी हमेशा हेल्प करे, सपोर्ट करे, और आपके जितने भी कुल देवता है, पितृ देवता है, कि उनको तारे। यही मैं मेरे तरफ से भी आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नमस्ते। जय जय गोरक्षनाथ।